इसलिए जीवित है प्रभु कि हम तेरी महिमा करें, क्योंकि हमारे इस पृथ्वी में चलने फिरने का रीजन तू है, कारण तू है, हम तेरी महिमा है पिता। और जब तक हम इस शरीर में है हम तेरी महिमा करेंगे, हम यहाँ भी महिमा करेंगे, और हम आपके पास जब स्वर्ग चले जाएंगे वहां भी तेरी महिमा करेंगे। प्रभु धन्यवाद पिता, भूखे और प्यासे लोग हैं, बाइबल बताती है धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु देख यहाँ भी इतने सारे लोग भूखे और प्यासे हैं, प्रभु तू देख कि बहुत सारे लोग अभी रास्ते में है जो आ रहे हैं पिता, वो आपके धर्म के लिए भूखे और प्यासे हैं। प्रभु पिता उनका भूख और प्यास कौन मिटाएगा पिता, तू पिता अपनी आत्मा के द्वारा, पिता तू अपने जन के द्वारा पिता उनसे बातचीत कर, पिता उन्हें सिखा। प्रभु सचमुच ये कितने आशीषित बात है पिता, ये कितना आशीषित क्षण है पिता, ये कितने प्यारे लोग हैं प्रभु जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपके लिए भूखे और प्यासे हैं पिता, जो आपको ढूंढते हैं प्रभु, और सचमुच ये तृप्त किए जाएंगे, ये भरे जाएंगे, और पिता ये दूसरों को भी धर्मी ठहराएंगे बनाएंगे। प्रभु धन्यवाद, हम तुझे महिमा देते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं पिता। इस घड़ी जब हम कुछ पल आपकी आराधना करते हैं पिता, आपकी आत्मा हमारी सहायता करे। प्रभु धन्यवाद सारी बातों के लिए पिता, अपने आप को आपके हाथ में देते हैं, आज के बाइबल स्टडी को हम आपके हाथ में देते हैं, आपके जन को हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु, सारी बातों को हम आपके हाथ में देते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। उत्साहित हैं? हमारा पिछला सप्ताह बहुत उत्साह का दिन था, क्योंकि हम लोगों ने परमेश्वर के वचन उसके वरदानों के विषय में सीखना आरंभ किया। आज जो सबसे पहला हम लोग सीख रहे थे वो था पहला कुरिंथ अध्याय 12 और उसके पद 8 में, और वहाँ पे दो बातें लिखी हुई थी, और उसमें से जो पहली बात थी वो था बुद्धि की बातें BSI के अनुवाद के मुताबिक, और दूसरा था ज्ञान की बातें, जिसका हम लोग दूसरा अनुवाद पढ़कर देख रहे थे, बुद्धि का वचन या ज्ञान का वचन। जब हम लोग उसको यूनानी में देखते हैं तो उसमें लिखा है लोगोस सोफियास, सोफिया मतलब बुद्धि, लोगोस मतलब वचन, और जब ज्ञान का वचन इसको हम लोग यूनानी में देखते हैं तो वो है लोगोस ग्नोसियोस, ग्नोसिस मतलब ज्ञान और लोगोस मतलब वचन। हम लोग बहुत पहले जब बाइबल स्टडी आरंभ किए थे हमने इस बात को सीखा था कि वचन का क्या अर्थ है। वचन का अर्थ वो वाक्य जो यहाँ पर लिखा है वो नहीं, लेकिन वो संदेश है जो पवित्र शास्त्र में दिया गया है। और अगर पवित्र शास्त्र के बाहर हम लोग लोगोस की बात करें तो उसका अर्थ होगा एक संदेश जो परमेश्वर दे रहा है। तो अगर हम कहें लोगोस सोफियास मतलब बुद्धि का वचन, तो इसका जो सटीक अनुवाद किया जा सकेगा वो होगा ऐसा संदेश जिसमें कुछ बुद्धि की बात हो, लोगोस ग्नोसियोस, ऐसा संदेश जिसमें कुछ ज्ञान की बात हो, जिसमें कुछ जानकारी दी जा रही हो, जिसमें कोई सूचनाएं प्रदान की जा रही हो, तो वह है ज्ञान का वचन। तो हम लोगों ने ज्ञान के वचन के विषय में पिछले सप्ताह यहाँ पर सीखा, और मैं उसमें कुछ और बातों को जोड़ना चाहता हूँ। यहाँ पर हमने सीखा था कि जो ज्ञान का वचन है उसके तहत परमेश्वर हमें भूतकाल की वस्तुओं का ज्ञान देता है जो हो चुकी हैं, और जो वर्तमान में है उन वस्तुओं का भी, उन बातों का भी ज्ञान देता है। लेकिन मैं आज आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर भविष्य काल में जो वस्तुएं होने वाली हैं उनका भी ज्ञान देता है, और उसको हम लोग ज्ञान के वचन की कैटेगरी में रख सकते हैं। भविष्य में होने वाली सारी बातों को अगर हम जानते भी हैं तो सारी बातों को हम भविष्यवाणी की कैटेगरी में नहीं रख सकते। मैं उस पर आऊंगा जब हम लोग भविष्यवाणी के वरदान की चर्चा करेंगे तब। लेकिन जैसे परमेश्वर के विषय में बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार ऐसा किया, परमेश्वर बहुत सारी बातों को जानता है कि होने वाली है, क्या होने वाली है इन बातों को वो जानता है, और अगर वो जानता है तो उन बातों को भी हम पर प्रकट कर सकता है और हम भी जान सकते हैं
तो ये ज्ञान के वचन के कैटेगरी में आएगा कि हम भी जान गए, ग्नोसिस, जान जाना, ज्ञान। तो भूतकाल में जो हो चुकी उसको भी जान सकते हैं, जो वर्तमान में हो रही हैं उनको भी जान सकते हैं, और जो भविष्य में होने वाली हैं उनको भी जान सकते हैं। आप लोग ताजुब करेंगे, तब भविष्यवाणी का वरदान क्या होगा? थोड़ा सस्पेंस बना के रखिए, मैं उस पर बाद में आऊंगा। और पिछली बार जब हम लोग यहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे एक दूसरे के लिए, परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को आप पर प्रकट किया, आपने एक दूसरे के साथ में शेयर किया, बहुत एक्साइटेड हुए कि मैंने जब उसको बताया तो वो बातें उसके जीवन से संबंध रखती थी, और उसमें कई सारी बातें इस प्रकार से सामने आई कि उसके जीवन में इस प्रकार की समस्या है, इस प्रकार की परेशानियों से वो चल रहे, और आप उन बातों को जान गए। तो ये जो ज्ञान के वचन का वरदान है, ये जो प्रकाशन से संबंधित वरदान है उसमें सबसे कॉमन है, मतलब सबसे ज्यादा देखने में आता है और लोग जान जाते हैं बातों में। लेकिन चीजों को जान जाना अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी ही बात है कि आप जान जाते हैं। लेकिन आप उदाहरण के लिए समझिए कि कोई बीमार व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास में जाता है, अब डॉक्टर उसकी जांच पड़ताल करता है, स्टेथोस्कोप लगाता है, बहुत कुछ करता है, और फिर जांचने के बाद उसको बता देगा कि आपको फलाना फलाना बीमारी है, जाइए। तो दूसरी बार से क्या मरीज उसके पास जाएगा? डॉक्टर कहेगा मैंने आपको बता तो दिया, फीस दे दीजिए, बीमारी मैंने बता दिया, आप नहीं जानते थे, आप जान गए, जाइए, फीस बकायदा जमा करके जाइए। तो क्या आप उस डॉक्टर के पास में जाएंगे? उसी प्रकार से अगर हम लोगों के जीवन के विषय में जान जाते हैं, हम जान गए, तो उस व्यक्ति को हम क्या लाभ दे सके? अगर लाभ नहीं दे सके तो हम भी उसी डॉक्टर के समान हो जाएंगे, हमारा जानना व्यर्थ हो जाए। हम जान गए कि उसको यह बीमारी है, बता दिए कि उसको बीमारी है, उसको भेज दिए। अगर वो डॉक्टर है तो उसको फर्ज बनता है कि अगर वो बीमारी जान गया तो उसका इलाज करे, उसके लिए सही दवाइयां लिखी, उसके लिए समाधान लेकर आए। और अगर परमेश्वर कोई वरदान देता है और उस वरदान के तहत हम जान रहे हैं बहुत सारी चीजों को, तो परमेश्वर की इच्छा जरूर होगी कि उस ज्ञान के द्वारा हम उस व्यक्ति को कुछ सहायता पहुंचा सके। वो बातें सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम जान गए तुमको बता दी तुम जान गए कि तुम्हारे जीवन में भी ये प्रॉब्लम है, तुम पहले उस प्रॉब्लम को नाम से नहीं जानते थे, अब मैंने नाम से बता दिया तो मैं तुम्हारी नजर में बड़ा बन गया, उसके सिवा क्या हुआ? कुछ नहीं। लेकिन उससे किसी को कोई समाधान नहीं मिला, उससे किसी को कोई आशीष नहीं मिली। लेकिन मुख्य बात यह होगी कि उस व्यक्ति के जीवन में समाधान लेकर आना, और यहां पर बुद्धि का वचन कार्य करता है। और मैं जैसे आपको बता रहा था कि जो ज्ञान का वचन है जितना कॉमन है, जितनी बहुतायत से लोगों में देखने में आता है, बुद्धि का वचन उतने ही कम देखने में आता है। और उसका मुख्य कारण तो ये है कि लोग बुद्धि के वचन के विषय में जानते ही नहीं, समझते ही नहीं। पिछली बार हम लोग ज्ञान और बुद्धि के बीच में अंतर स्पष्ट कर रहे थे। ज्ञान अर्थात हम चीजों को जानते हैं, सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, और बुद्धि अर्थात हम उनको अप्लाई करते हैं। क्यों अप्लाई करते हैं? ताकि हम एक बेहतर स्थिति को पा सकें, ताकि हम कुछ समाधान ला सकें, ताकि हम कुछ परिवर्तन ला सकें, यह बुद्धि। सो परमेश्वर ऐसे संदेश भी दे सकता है जिसमें ऐसी बातें प्रकट हो जिनको जब किया जाए या जिनको जब बोला जाए या जिनके अनुसार जब चला जाए तो कुछ परिवर्तन हो जाएगा, और वो उस व्यक्ति के जीवन में समाधान को ला सकता है। मान लिया किसी व्यक्ति के विषय में मैंने जान लिया कि तुम्हारे जीवन से ऐसे ऐसी समस्या है या तुम्हारे जीवन में ऐसा ऐसा चल रहा है, तो मुझे दूसरा स्टेप उठाना चाहिए और प्रभु से पूछना चाहिए, प्रभु मुझे एक बुद्धि का वचन दीजिए जो उसके लिए समाधान लेकर आए, और कुछ उसके लिए मैं ऐसा बता सकें जो उसकी समस्या का समाधान कर दे। हम लोग इसका उदाहरण पुराने नियम में पा सकते हैं। बुद्धि का वचन जब आता है दो तीन रूप में वो आता है। एक है जब संदेश आता है, उस संदेश को आप बोल सकते हैं, बोलने के द्वारा छुटकारा आ सकता है। दूसरा, संदेश आता है उसमें कुछ करने की बातें होती हैं, उसको आप करते हैं और उसके द्वारा आशीष आती है। ज्ञान के वचन में एक और ज्ञान उन दिनों में प्रकट किया जा रहा था, वो था वचन का ज्ञान, परमेश्वर के राज्य के भेदों का ज्ञान, जो उस समय यीशु मसीह के चेले जब थे, 12 चेले, उन पर प्रकट किया जा रहा था।
और वे जो आधा अधूरा समझे प्रेरित पौलुस पर बाकी प्रकट किया गया था। और बुद्धि के वचन में उन भेदों की समझ भी आती है, ताकि उन भेदों की समझ आप प्राप्त करें और उसको आप अप्लाई कर सकें। मैं आपको पवित्र शास्त्र से कुछ उदाहरण दूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक और उसके अध्याय 41 उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 41 और इसके पद 33 से देखिए, यहाँ पे ऐसा है वर्णन, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बीच से कुछ पदों को हम लोग पढ़ें। जो फिरौन था मिस्र का राजा, उसको स्वप्न दिखाई दिए और स्वप्न में उसको तो पहले बाले दिखाई दिए, बाले अर्थात फसल की बाले, और फिर उन स्वप्नों को देख करके वो चढ़ गया। दूसरा स्वप्न उसने देखा जिसमें उसको गायें दिखाई, पहले तो 7 अच्छी गायें दिखाई दी और बाद में 7 कुरूप गायें दिखाई, और कुरूप गायों ने अच्छी गायों को खा लिया। और मिस्र के जितने ज्योतिषी और तंत्री और स्वप्न का अर्थ बताने वाले थे, वो सब किसी भी तरीके से उसका अर्थ नहीं बता सके कि क्या अर्थ होगा। तब यूसुफ जो उस समय जेल में बंद था, उसको वहां से बुलाया गया, क्योंकि राजा का जो सेवक था उसने बताया कि उसने मेरे स्वप्न का सही अर्थ बताया। तो यूसुफ को जेल से निकाला गया, उसको फिरौन के पास लाया गया और फिरौन ने उसको बताया कि मैंने इस प्रकार से स्वप्न देखा है। और जब यूसुफ ने उसको सुना तो उस पर यह प्रकट हुआ कि उस स्वप्न का क्या अर्थ है, उस स्वप्न का क्या अर्थ। और उसने बताया कि हे फिरौन, आने वाले जो 7 साल हैं वो सुकाल के 7 साल हैं, उसमें बहुत अच्छी फसल होने वाली है, उसमें फसल के लिए जो अनुकूल मौसम है वो होने वाला है और बड़ी अच्छी उपज होगी आने वाले 7 सालों तक, और उसके बाद के जो 7 साल हैं वे अकाल के 7 साल होंगे, और उसमें ऐसा मौसम हो जाएगा जिसमें तुम खेती नहीं कर पाओगे और लोग अन्न के लिए मारे मारे फिरेंगे, और ऐसा भारी अकाल पड़ जाएगा कि सुकाल के 7 वर्ष याद भी नहीं पड़ेंगे। ये उसका अर्थ था। लेकिन यूसुफ यहीं पर नहीं रुका, लेकिन उसने बताया कि इससे बचने का क्या उपाय है। उसने एक बुद्धिमानी की बात वहां राजा के सामने में रखी कि मुझे मालूम हो गया कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तब बुद्धिमानी ये है कि उसके लिए पहले से तैयारी कर ली जाए, अगर मुझे मालूम हो गया और वाही वाही बटोर लिए तो इसमें क्या फायदा है, लेकिन अगर हम जान गए तो उस समस्या का समाधान करने के लिए कुछ कर सकते हैं। और वो यूसुफ ने किया, और मैं समझता हूं कि उसको ये बात परमेश्वर की तरफ से प्रकट की गई। पद 33 से देखिए, इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढकर उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए, और फिरौन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे, और जब तक कुछ सुकाल के 7 वर्ष रहें तब तक मिस्र देश की उपज का पंचमांश लिया करे, और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करें और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करें। यह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे देश के भोजन के लिए रखी रहे, जिससे देश उस अकाल से सत्यनाश न हो जाए। उसने कहा कि सबको स्टोर कर लिया जाए, और उसके लिए राजा को चाहिए कि किसी व्यक्ति को सबके ऊपर इंचार्ज बनाए, प्रधानमंत्री हो जाए, और वो इस प्रकार से अरेंजमेंट करें कि जितनी भी अच्छी फसल 7 सालों में होती है उन सबको इकट्ठा करें। अब इकट्ठा भी इस प्रकार से करें कि 7 साल तक टिक जाए, उसमें घुन न लगे, वो सुरक्षित रहे, उसको खाने लायक हालत में रहे, और यहां तक कि बाद में बोने लायक हालत में रहे, और उसके बाद जब अकाल के समय आएंगे तब उनमें से बांट दिया जाएगा। सो प्रत्येक जितने फसल उग जाते हैं उनको कहा जाए कि तुम अपने उपज का 1/5 दोगे, और उन्होंने इसी प्रकार से किया। और राजा ने देखा कि यूसुफ के समान कोई बुद्धिमान नहीं, तो उसने इस प्रकार से कहा। पद 37 से देखिए, यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने तो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार तेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूं। जो बातें हुई थी वो ये था, स्वप्न राजा को दिखाया गया था लेकिन उसका अर्थ यूसुफ पर प्रकट किया गया था, लेकिन जब अर्थ प्रकट किया गया था तो उसके समाधान के साथ। कई बार परमेश्वर की तरफ से
कुछ संदेश आएंगे और वो संदेश ऐसे होंगे कि उनकी व्याख्या करनी पड़ेगी कि वो संदेश क्या है। वो संदेश वर्तमान के लिए है या वो संदेश भूतकाल के लिए या वो संदेश भविष्य के लिए है, इसके लिए भी व्याख्या करनी पड़ेगी। कई बार उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। एकाएक तुरंत संदेश आया सारी बातों का आप समझ गए ऐसा नहीं भी होगा। तो कई बार संदेश को समझना भी पड़ता है और समझने की जब बात आ जाती है जो संदेश आ रहा है इसका मुख्य अर्थ क्या है, वास्तव में क्या है और इसके द्वारा क्या हो सकता है, तो ये बुद्धि के वचन की कैटेगरी में आता है। और आमतौर पर लोग सिर्फ यहीं पर सीमित हो जाते कि मुझे मालूम हो जाता, मैं जान जाता, परमेश्वर मुझे बता देता है। लेकिन परमेश्वर बता देता है तो समस्याएं ज्यों की त्यों क्यों बनी रहती है, उनका समाधान क्यों नहीं हो जाता है? उनका समाधान इसलिए नहीं होता क्योंकि बुद्धि का वचन प्रकट करने वाले बहुत थोड़े हैं। और परमेश्वर चाहता है और मैं समझता हूँ कि ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। जब मैंने स्टडी करना शुरू किया तो मैंने इस बात को समझा कि जो सेवकाई मैं कर रहा हूँ उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण वरदान हो सकता है तो वह है बुद्धि का वचन मेरे लिए, क्योंकि उस सेवकाई के तहत मुझे समाधान लेकर आना है। दुनिया वाले व्याकुल हैं, यहाँ तक कलीसिया व्याकुल है, सब परेशानी में पड़े हुए हैं। उनको सिर्फ समस्याएं बता देने से समाधान होने वाला नहीं, उनके लिए चाहिए कि कुछ समाधान पेश किया जाए, उनके लिए चाहिए कि कुछ समाधान दिया जाए और ये समाधान परमेश्वर की ओर से आता है। हम अपना दिमाग लगाकर समाधान पैदा करने की कोशिश करेंगे, कुछ दिन हो सकता है ठीक रहे फिर परेशानी में पड़ जाएंगे, लेकिन परमेश्वर जो समाधान देता है वो उसकी योजना को पूरी करता है। यूसुफ ने जो समाधान दिया वो परमेश्वर की योजना को पूरी किया। उसने स्टोर किया सारा धन और उसके भाई जो अपने भाई थे जो कनान के देश में रह रहे थे वहां पर भी अकाल पड़ा, उसके भाई उसी यूसुफ की बुद्धिमानी के कारण बच गए। वे वहां पर अनाज खरीदने के लिए आए और उनका सारा परिवार बच गया, क्योंकि देखिए यूसुफ के खानदान से यीशु मसीह नहीं आया था, वह आया यहूदा के गोत्र में से। यहूदा का गोत्र उस समय कनान में अकाल में पड़ा हुआ था। सो जो बुद्धिमानी यूसुफ को दी गई उस बुद्धिमानी के तहत जब उसने काम किया यीशु मसीह धरती पर आया। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर बुद्धिमानी देता। आइए हम दूसरा उदाहरण देखें, दूसरा राजा की पुस्तक और उसके अध्याय 12, दूसरा राजा और उसके अध्याय सॉरी दूसरा शमूएल और उसके अध्याय 12। यहाँ इस प्रकार की घटना है कि जो दाऊद है उसका शत्रु मर चुका है शाऊल, और लोगों ने दाऊद को राजा मान लिया है और उसको राजा बना भी दिया, बकायदा वो राज्य कर रहा है और जो उसके सेनाएं हैं वे दूर दूर के क्षेत्रों में हैं और वहाँ पर लड़ाई हो रही है। और दाऊद ने क्या किया, जब युद्ध का समय था वो सेना की मॉनिटरिंग करने के बजाय अपने छत पर टहल रहा था, उसने नहाती हुई बेतशेबा को देखा और बुलवा कर उसके साथ में व्यभिचार किया। फिर उसने क्या किया, उसके पति को बुलवा कर उसके पास में भेजा और सोचा कि अगर उसका पति उसके साथ में रहेगा तो बाद में पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा किसका था। लेकिन उसका पति नहीं माना, उसका पति भी अलग किस्म का था, उसका पति बहुत प्रेरणादायक था, आप उसके विषय में स्टडी कीजिए। और उसके बाद उसने देखा कि ये तो अपने कर्तव्य से मुड़ता ही नहीं है, ये तो सैनिक है, उसने कह दिया मैं सेना का हूँ, मेरे दोस्त लोग मैदान में सो रहे हैं मैं कैसे घर में सो सकता हूँ, मेरे दोस्त लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है मैं कैसे अच्छा खा सकता हूँ। और वो नहीं गया। तब उसने देखा कि उसकी भक्ति सैनिक की शिक्षा के प्रति है, उसको सबसे कठोर जहाँ लड़ाई हो रही थी वहाँ भेजा गया और षड्यंत्र के तहत वो मर गया और उसने उसकी पत्नी को अपनी कर लिया। परमेश्वर ये सारी बातें देख रहा था और उसने ये बातें अपने भविष्यवक्ता पर प्रकट की, नातान नबी पर प्रकट की। नातान को ये बता दिया गया कि दाऊद ने क्या क्या किया है। अब नातान नबी हमेशा दाऊद के पास आता जाता था, लेकिन जो भी राजा के पास आना जाने का काम था वो बहुत रिस्की होता था। जब राजा नहीं बने तब तक तो बहुत दिन है, लेकिन राजा बन गए तब पता नहीं कब मूड खराब हो जाए, पता नहीं कब किसको मृत्युदंड की आज्ञा दे दे। अब नातान को यह दिया गया कि तुम जाकर राजा को चिताओ, दाऊद को चिताओ कि तूने ऐसा क्यों किया, अब तूने जो ऐसा किया है इसकी वजह से परमेश्वर का श्राप तुम पर पड़ेगा। तो नातान ने सोचा होगा कि मैं कैसे जाकर बताऊं, अगर मैं जाकर राजा से कहूं वो राजमहल में बैठा रहेगा अपने दरबारियों के साथ, और वहां पर मैं राजा के सामने उपस्थित होकर कहूं हे दाऊद तूने ऐसा ऐसा गुनाह किया है परमेश्वर तुझ पर ऐसा दंड देता है, हो सकता है कि दाऊद क्रोधित हो जाए और कह सैनिकों को इसे पकड़ लो, उसको प्राण दंड दिया जाए।
तब उसको चाहिए था कि ऐसी बुद्धिमानी के साथ वो परमेश्वर के संदेश को प्रकट करे जिसमें राजा मात खा जाए। परमेश्वर ने उसको एक बुद्धि दी और उसने जाकर एक कहानी उसको कह सुना और वो कहानी इस जगह पर लिखा हुआ मिलेगा आपको दूसरा शमूएल अध्याय 12 और उसके पद 1 से लेकर 6। और उसने जो कहानी सुनाई उसमें दाऊद पूरी तरीके से भावनाओं में आकर फंस गया। उसने कहा कि एक मनुष्य के पास एक ही भेड़ थी और जो उसके पास वाले थे उसके पास ढेर सारी भेड़ें थी, लेकिन जो धनी व्यक्ति था उसने क्या किया, उस गरीब के एक ही भेड़ को लेकर अपने घर के मेहमान को खिला पिला दिया। राजा को क्रोध आ गया कि कौन ऐसा आदमी है जो ऐसा अन्याय कर रहा है, अरे अपने पास से भेड़ बकरी तो उसको काट के खिला था, उस गरीब की एक भेड़ को क्यों किया। तब नातान ने देखा कि दाऊद जाल में फंस गया, तब उसने कहा कि तू ही वह मनुष्य है। राजा न्याय कर चुका था, उसने कह दिया था कि जो भी ऐसा किया है उसको दंड दिया जाएगा। पद 5 देखिए, तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का, उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है। नातान ने कहा तू ही वो मनुष्य, वो न्याय कर चुका था, अपने न्याय को पलट नहीं सकता था, लेकिन तब उसने कह दिया तू ही मनुष्य है, तू ही वो मनुष्य है। अब दाऊद नातान को नहीं कह सकता था कि तूने ऐसा क्यों कहा, मेरे राज दरबार में लोग यहां बैठे हुए हैं, तूने ऐसा क्यों कहा। नातान बड़ी बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के संदेश को प्रकट किया और उसने जब ऐसी बुद्धिमानी के साथ में कहा तो क्या हुआ मालूम, जो श्राप तो परमेश्वर की तरफ से पड़ना था वो पड़ा ही पड़ा, लेकिन दाऊद ने पश्चाताप किया, उसने पश्चाताप किया। अगर वो दूसरे तरीके से प्रकट करता तो वहां समाधान आने के बजाय, क्योंकि दाऊद ने पाप किया था तो उसको पश्चाताप करना चाहिए था। परमेश्वर क्यों यह संदेश नातान पर प्रकट कर रहा था, ताकि उस संदेश से कुछ परिणाम निकल आए। उस संदेश का परिणाम यही होना चाहिए था कि दाऊद को बताया जाए, चिताया जाए और उसको पश्चाताप कराया जाए कि तूने यह गलत काम किया है तो अब दोबारा नहीं करना, उसे मन फिरा, लौटा, दाऊद इस काम को करे। लेकिन राजा को कौन इस बात को कहे, और जब नातान ने इस रीति से काम किया तो दाऊद ने वाकई में बाद में पश्चाताप किया और उसने इस प्रकार से कहा। पद 13 देखिए, तब दाऊद ने नातान से कहा मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है तो न मरेगा। मतलब दाऊद के ऊपर मृत्यु के दंड की आज्ञा हो रही थी, दाऊद खुद भी अपने ऊपर आज्ञा दे चुका था ऐसा मनुष्य प्राण दंड के योग्य है, परमेश्वर के सामने भी कह चुका था कि ऐसा मनुष्य तो प्राण दंड के योग्य है, और साबित हुआ कि वही वो आदमी है, दाऊद ही मनुष्य। अब अगर दाऊद इसे पश्चाताप ना करे तो दाऊद को शायद मर जाना पड़ता, लेकिन बड़ी बुद्धिमानी के साथ में नातान वहां पर उपस्थित हुआ और उसको एक संदेश दिया गया कि तुम दाऊद से इस प्रकार से बातें करोगे, और जब उसने उस प्रकार से बातें की परमेश्वर का काम पूरा हुआ, उसने पश्चाताप किया और उसको कहा गया कि अब तुम नहीं मरोगे। हमें और भी उदाहरण मिलेंगे बुद्धि के वचन के विषय में, लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन से मुझे बुद्धि का वचन बहुत ज्यादा दिखाई देता है वो एक भविष्यवक्ता है और उसका नाम है एलीशा। आप एलीशा के विषय में पढ़ते होंगे दूसरा राजा की पुस्तक और उसके उसमें बहुत सारे वर्णन हैं, हम एक दो वर्णनों को देख कर जाएं। दूसरा राजा उसका 6 अध्याय देखिए और वहां पर पहले पद से लेकर 7 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा है कि एलीशा के पास में भविष्यवक्ताओं के चेलों में से कई लोग आ गए और कहने लगे कि ये स्थान बहुत छोटा पड़ गया है तो हम लोग अपने लिए बड़ा स्थान बनाएं, एलीशा को बात अच्छी है। तो उस समय वे लोग लकड़ी का काट कर उसके सहायता से घर बनाना चाहते थे और उसके बाद वे, क्योंकि इसराइल का जो देश है वो बहुत हरा भरा देश नहीं है क्योंकि वहाँ नदियों की कमी है, पानी की कमी है, तो जो भी पेड़ होंगे तो यर्दन के किनारे होंगे। तो वे यर्दन के किनारे पहुंचकर वहाँ की लकड़ी काटने लगे और जो कुल्हाड़ी उन्होंने ली थी, क्योंकि भविष्यवक्ताओं को कुल्हाड़ी से क्या काम, उनके पास कुल्हाड़ी होती नहीं थी, तो दूसरों से उन्होंने उधार में कुल्हाड़ी मांग ली और जाकर यर्दन के किनारे पेड़ काटने लगे। जिस पेड़ को वे काट रहे थे वो यर्दन के ऊपर झुका हुआ था, यहाँ यर्दन नदी बह रही है, पेड़ उसके ऊपर झुका हुआ है और उस पर चढ़कर लकड़ी काट रहे हैं भविष्यवक्ताओं के चेले। ऐसे भी एक्सपीरियंस नहीं होंगे ऐसे कामों के लिए।
और वहां पर जब लकड़ी काट रहे थे तब कुल्हाड़ी बेट से निकल गई और नदी में जा गिरी, और यरदन उस समय काफी ऊंचाई तक बह रहा था और कुल्हाड़ी वहां पर डूब गई उस पानी में कि वहां से कुल्हाड़ी को निकालना मुश्किल है। अब परेशानी यह है कि जिसे उधार लिया गया था उसको वापस नहीं कर सकते हैं, अब तब तक का इंतजार भी नहीं कर सकते हैं कि नदी धीरे धीरे कम हो जाए। वो बारिश का मौसम रहा होगा, नदी लबालब भरी होगी, अब उतने महीने कौन इंतजार करे और उसके बाद कुल्हाड़ी वहां से निकाले, तब तक पता नहीं कोई दूसरा निकाल ले या फिर किसी तरीके से वो कुल्हाड़ी का टुकड़ा आगे बढ़ जाए। तब उन्होंने एलिशा के पास में आकर कहा कि कुल्हाड़ी गिर गई, कुल्हाड़ी उधार की थी, कुल्हाड़ी डूब गई। तब एलिशा ने क्या किया, एलिशा के पास परमेश्वर का एक वचन आया और वो वचन जब आया उस वचन में एक समाधान था कि जो समस्या सामने आ गई इसका समाधान कैसे किया जाए। पद 6 को देखिए, परमेश्वर के भक्त ने पूछा वह कहाँ गिरी, जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी और लोहा पानी पर तैरने लगा। उसको बताया वहां गिरी, वहां तक नहीं जा सकते, पानी में घुस करके कुल्हाड़ी नहीं निकाल सकते। तब एलिशा को एक बुद्धि का वचन मिला, उसका समाधान क्या है, और वो समाधान था लकड़ी काट के उस स्थान पर डाल दो। अजीब वो गरीब समाधान, ये समाधान को आप इस समाधान को फॉर्मूला की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आपकी बाल्टी कुएं में डूब गई, लकड़ी काट के डाल दो, बाल्टी तैरने लगेगी। लेकिन उस समय उस समस्या के लिए परमेश्वर की तरफ से एक समाधान आया कि तुम एक काम करो, लकड़ी काट कर उस स्थान पर डाल दो और एक आश्चर्य कर्म होगा। क्या आश्चर्य कर्म होगा, वो कुल्हाड़ी पानी पर तैरने लगेगी। जब मैंने इस आश्चर्य कर्म पर सोचा तो मैंने देखा कि वहां पर बड़ी बड़ी बातें हुई, ये इतनी आसान बात नहीं। कुल्हाड़ी तो पानी में इसलिए डूब गई थी कि क्योंकि कुल्हाड़ी का जो घनत्व था वो पानी के घनत्व से ज्यादा है, इसलिए वो डूब गई। और उसको पानी में तैरने के लिए चाहिए थी कि उसका घनत्व पानी से कम हो जाए, लेकिन अगर वो तैरने लगेगी तो साथ में बह भी जाएगी, इसलिए ना बहे इसलिए उसी समय उसको चाहिए कि उसका घनत्व पानी से ज्यादा भी रहे। तो एक ही समय में ऐसा होना चाहिए था कि जो कुल्हाड़ी का घनत्व है, पता नहीं फिजिक्स में आपको बता रहा हूँ आप समझ रहे हैं, कुल्हाड़ी का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम भी होना चाहिए ताकि वो उसमें तैर सके, और ज्यादा भी होना चाहिए ताकि बह ना जाए। किसी साइंस से आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तब ये वचन परमेश्वर की तरफ से उसको दिया गया था और जब उसने उसको किया समाधान हो गया, कुल्हाड़ी का टुकड़ा पानी पर तैरने लगा और उन्हें हाथ बढ़ा कर ले लिया। इसी प्रकार से दूसरी घटना घटी, वहां पर एलिशा के लोग बैठे हुए थे, 4 उसके पद 38 से आगे, और वहां पर लिखा है कि एलिशा के चेले वहां पर बैठे हुए थे और लोग मैदान में गए, वहां साग तोड़कर कोई लेकर आया और पकाने लगे, और जब पक गया उसके बाद उन्होंने टेस्ट किया तो लगा कि ये तो जहर है, इसको खाएंगे तो जरूर मर जाएंगे। तो उन्होंने एलिशा से कहा कि हंडे में जहर है। तब एलिशा के पास में परमेश्वर का संदेश आया, बुद्धि का वचन आया, उसने कहा कुछ मैदा लो और हंडे में डाल दो, सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद वैसे ही किया गया और सारे लोग खा लिए और सब कुछ स्वस्थ रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खाने में छिपकली गिर गई है तो उसमें आप मैदा छिड़क, मध्यान भोजन छिपकलियां गिर जाती है मैदा साथ में रखा कीजिए, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उस समय जो समस्या सामने थी उसका समाधान परमेश्वर की तरफ से दिया जाना चाहिए। सिर्फ ये जानकारी काफी नहीं है कि हंडे में जहर है, खाना भी जरूरी है, मत खाओ वो समाधान नहीं था। समाधान ये था कि हम इसको कैसे खाएं। परमेश्वर की तरफ से समाधान आया कि उसमें कुछ मैदा लेकर डाल दो और सब ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने वैसा ही किया और सब ठीक हो गया। एक स्त्री थी जिसके घर में एक समस्या थी कि उसका पति उधार लेकर मर गया था, और जब मर गया तब जो उसके देनदार थे वे आकर उस स्त्री को सताने लगे और कहने लगे कि हमें हमारा पैसा वापस करो, जो पैसा तुम्हारा पति ले गया था वो पैसा वापस करो। तब वो एलिशा के पास में चली गई, वो अपनी समस्या लेकर के चली गई। अब एलिशा ने उसको एक समाधान बताया और वो समाधान बुद्धि का वचन। एलिशा ने परमेश्वर से जरूर कनेक्टेड था, पूछा होगा, और परमेश्वर की तरफ से एक समाधान उसको प्रकट हुआ, और वो समाधान ये था। उसने कहा तुम्हारे पास बर्तन है, कहा हाँ, जाकर जितने बर्तन इकट्ठा कर सकते हो करो और फिर दरवाजा बंद कर लेना, और तुम्हारे पास थोड़ा तेल तो होगा, हाँ है, उसी तेल को तुम बर्तन में डालना शुरू करो।
और वो स्त्री तेल डालती चली गई एक बर्तन से दूसरा बर्तन से तीसरा बर्तन, और उसके घर में तेल ही तेल हो गया। उसने तेल बेचकर इतना पैसा कमा लिया कि सारा कर्ज चुका लिया, उसके परिवार के लिए भी हो गया। हालेलुया। इस घटना को आप पढ़ सकते हैं दूसरा राजा 4 और उसके पद 1-7 तक। एलिशा के पास में बुद्धि का वचन आता था और वो किसी की समस्याओं का समाधान कर लेता था। सोचिए वो कर्ज में थी वो स्त्री, वो अपनी समस्या लेकर आई। एलिशा ने ये नहीं किया कि मैं ठीक है प्रार्थना कर देता हूँ परमेश्वर कुछ उपाय करेगा, उसने परमेश्वर से एक समाधान लिया और उस समाधान को उसको बता दिया। और जब उस स्त्री ने उस समाधान को किया उसके लिए आश्चर्य कर्म हो गया और उसकी समस्या चली गई। बुद्धि का वचन बहुत सामर्थ्य होता है, लेकिन जो बुद्धि है और जो बुद्धि का वचन दोनों में अंतर है। जो सुलेमान था उसको परमेश्वर ने बुद्धि दी थी, हम तो जानते हैं। जब वो राजा बन गया तो उसने ईमानदारी से सोचा कि इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए क्या जरूरी है, तो उसने समझा कि मुझे बुद्धि की जरूरत है। उसने प्रार्थना की और परमेश्वर से कहा कि मुझे बुद्धि भी दी जाए, और वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी, उसको बुद्धिमान किया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि सुलेमान को बुद्धि का वचन दिया गया था। सुलेमान को बुद्धि का वचन नहीं दिया गया, सुलेमान को बुद्धि दी गई थी, और जो बुद्धि थी उस बुद्धि में तर्क था। अर्थात किसी भी समस्या को वो तर्क वितर्क करके वो उसका समाधान कर सकता है। और इसीलिए एक दो स्त्रियां चली आई कहने लगी ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, उनमें से एक जन का था। तो सुलेमान ने कह दिया कि तलवार लाकर दो टुकड़े करके दोनों को बांट दिया जाए, क्योंकि उसकी जो बुद्धि काम करी थी वो तर्क वितर्क वाली थी। वो जानता था कि जो उसकी अपनी माँ होगी वो कभी नहीं चाहेगी कि मेरा बच्चा दो टुकड़े में कट जाए, और उसी से उसने पकड़ लिया कि उस बच्चे की माँ कौन है। तो वहां पर तर्क वाली बुद्धि थी। जो तर्क वाली बुद्धि है वो बुद्धि भी परमेश्वर किसी को दे सकता है, पर बुद्धि का वचन उससे अलग है। अब कुल्हाड़ी काटकर पानी पर डाल दो लकड़ी लोहा तैरने लगे, इसमें कौन सा तर्क है। तुम्हारे पास जो 1 cc तेल है उसको तुम बर्तन में उंडेलने लगो और सारे बर्तन तेल से भर जाएंगे, इसमें कौन सा तर्क है। ये तर्क वाली बुद्धि से भी अलग है। परमेश्वर बुद्धि के वचन के तहत तर्क वाली बुद्धि भी दे सकता है, परंतु दोनों में अंतर है इन जनरल। और ये बुद्धि का वचन जब भी परमेश्वर की तरफ से आएगा ये एक आश्चर्यजनक समाधान को लेकर आता है। और अभी के समय में जब हम कलीसियाओं में देखते हैं, लोगों के जीवन में देखते हैं, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम परमेश्वर से बुद्धि का वचन प्राप्त करें और उनको कह दें कि तुम जाकर ऐसा कर लो और उनके लिए समाधान हो जाएगा। परंतु ये देखने में बहुत कम है। कारण ये है कि लोग इसके विषय में नहीं जानते हैं, इसके विषय धुन नहीं लगाते। जिसको देखते हैं कि ऐसा होता है जान जाते हैं तो सोचते हैं कि हम भी जान जाए, उसके लिए धुन लगाते हैं, वो बातें होने लगती हैं। जिसके लिए धुन नहीं लगाते वो बातें होने नहीं लगती। यीशु मसीह के जीवन में ये बुद्धि का वचन था। अगर हम लोग मत्ती की पुस्तक में देखेंगे अध्याय 17, मत्ती की पुस्तक अध्याय 17 और उसके पद 24 से, वहाँ पे ऐसा हुआ कि वे लोग कफरनहूम पहुँचे। तो जो यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे वे लोग ये पूछना चाहते थे या कह रहे थे कि क्या, पतरस के पास पूछ रहे थे कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता। मतलब जितने यहूदी लोग थे उन लोगों के लिए नियम ठहराया गया था कि खास उम्र के ऊपर जितने लोग होंगे वे सारे के सारे मंदिर का कर देंगे। यीशु मसीह तो खुद वहाँ परमेश्वर का पुत्र था, उसको कर देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन इसलिए कि मनुष्यों के दृष्टि में तो साधारण मनुष्य ही था, इसलिए उनको ठोकर खिलाना उचित नहीं और उनको मंदिर का कर दे देना चाहिए, इसलिए उनको पैसा भी चाहिए। मैंने एक बार आपको बताया था कि बहुत सारी स्त्रियां डोनेशन देकर यीशु मसीह की मदद करती थी सेवकाई करने में, और वो डोनेशन की थैली हमेशा यहूदा इस्करियोती के पास रहा करती थी जिसमें से वो चुराया भी करता था। तो उनके पास डोनेशन का पैसा नहीं था ऐसी बात भी नहीं, लेकिन जो डोनेशन का पैसा आया हुआ था वो सेवकाई के लिए था, वो यीशु मसीह के पर्सनल खर्चे के लिए नहीं था। यीशु मसीह उसमें से अपने मंदिर का खर्चा जितना पड़ता है उसमें से निकाल के दे दे, उसके लिए नहीं था। तो यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि हम लोग उसमें से पैसा तो नहीं दे सकते क्योंकि वो पैसा दूसरे मकसद से दिया गया है, लेकिन कर तो देना है। अब पैसा हमारे पास है नहीं, मैंने बढ़ाई का काम कब का छोड़ दिया, मैं पैसे कमाता नहीं। अब तूने मछलियां पकड़ना कब का छोड़ दिया, तू भी पैसे कमाता नहीं, हम लोग कर दे तो कैसे दे। और उसके पास बुद्धि का वचन आया और उसने पतरस से कहा तुम एक काम करो, तुम यहां से जाओ और
पद 27 देखिए, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले दे दे। उसको एक बुद्धि का वचन मिला, एक मछली है जिसने सिक्का निकल लिया है और वो सिक्का जरा कीमती है, इतनी कीमत का है कि दो आदमियों का कर चुका सकते हैं। उसने कहा कि बुद्धि का वचन मिला, आप झील के किनारे आप बंसी डालिए, क्या जरूरी है कि वही मछली फंसेगी। लेकिन इसलिए कि उसको बुद्धि का वचन था, उसने पत्रस से कहा कि जाकर बंसी डालो और मछली फंसेगी, और मछली फंसी और उसमें से उसके मुंह में सिक्का अटका हुआ था, उस सिक्के को उन्होंने निकाला और जाकर कर दे। सो उसके उनके लिए जरूरत थी और उसका आश्चर्यजनक रूप से समाधान हुआ। सो ये कुछ ऐसी बातें जिनको जब किया जाता है तो समाधान हो जाता है, परमेश्वर कुछ करने के लिए कहता है और समाधान हो जाता है। उसी जगह बुद्धि के वचन में कुछ ऐसी बातें भी हैं कि परमेश्वर कुछ बोलने के लिए कहता है और समस्या का समाधान हो जाता है। यीशु मसीह के पास लोग एक सवाल लेकर आए, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं, क्योंकि वे लोग यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे। अगर यीशु मसीह कह देगा कि कर देना उचित नहीं है तो कैसर वाले लोग उसको पकड़ लेंगे, अगर यीशु मसीह कह देगा कि कर देना उचित है तो यहूदी लोग तो कर देना चाहते नहीं थे, यहूदी लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। दोनों ही तरीके से वो फंसने वाला था, अगर वो हाँ में जवाब दे तो भी फंसे, ना में जवाब दे तो भी फंसे। लेकिन उसके पास एक बुद्धि का वचन आया और वो वचन ये था कि तुम कर का सिक्का मांग कर देखो जाए। और उसने कहा कर का सिक्का मुझे दो। जब दिया गया तो उसमें कैसर की तस्वीर बनी थी, उसने पूछा किसकी तस्वीर इसमें, लोगों ने कहा कैसर। उसने कहा जो कैसर का है जो कैसर को दो, जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो। बस उसने एक वाक्य कह दिया, समस्या का समाधान हो गया। हालेलुया। कैसर उस पर अटैक नहीं करने पाए और यहूदी लोग उसके साथ में बने रहे। यीशु मसीह हमेशा कहते थे क्षमा करो, प्रेम करो, और जो फरीसी लोग थे वे लोग कहते थे जो व्यवस्था न माने उसको पथराव करके मार डाला जाए। तब उन्होंने एक स्त्री को पकड़ लिया और कहते हैं वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और वो स्त्री को लेकर यीशु के पास में आए और स्त्री अकेली थी। अरे भाई व्यभिचार में पकड़ी गई थी तो कोई पुरुष तो रहा होगा, साथ में उसको भी लेकर आओ। लेकिन पुरुष वहां नहीं, वो स्त्री वहां पर है। अब स्त्री सब कुछ कर सकती पर अकेले व्यभिचार में पकड़ी नहीं जा सकती, कोई पुरुष तो होना चाहिए। लेकिन लाया गया यीशु मसीह के पास में स्त्री को, पुरुष भाग गया। जरूर फरीसी रहो, भीड़ में एक कोने में रहो। और उसके बाद यीशु मसीह के पास सामने परीक्षा करने लगे तो कहता है कि क्षमा कर देना चाहिए, ये स्त्री तो व्यभिचार में पकड़ी गई है, व्यवस्था में लिखा है ऐसे लोगों को पत्थर से मार देना चाहिए। तो क्या कहता है यीशु मसीह, जमीन पर लिखने लगे। और उसके बाद लोग पूछते रहे और उसने एक सवाल उनसे किया, जो बुद्धि का वचन उसके पास था उसके तहत उसने एक सवाल एक वाक्य उनसे कहा, और वो वाक्य ये था कि तुम में से जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। जितने लोगों ने पत्थर उठाकर रखे थे सबके पत्थर नीचे गिर गए, क्योंकि उन्होंने पाया कि हम में से कोई भी निष्पाप नहीं। शायद यीशु मसीह जमीन पर पापों के विषय में लिख रहे थे ये पाप होते हैं। अब लोग जमीन पर उतनी देर ताक रहे होंगे, क्या लिख रहे हैं, तो पापों को तब तक पढ़ लिए होंगे। और उसके बाद यीशु मसीह ने कह दिया कि तुम में जो निष्पाप पहला पत्थर मारे उसके पहले तो दोषी ठहर चुका है, ये पाप तुम नहीं किए। और उसके बाद समाधान हो गया, सब अपने अपने घर चले गए। वचन में लिखा है भारी समस्या, या तो तू प्रेम का प्रचार करना, क्षमा का प्रचार करना बंद कर दे, या तो तू व्यवस्था के खिलाफ करना बंद कर। व्यवस्था का साथ देगा तो फिर स्त्री को पथराव करना पड़ेगा, फिर तू कैसे पापियों के बीच में जाकर खाता पीता है, कैसे उनसे प्रेम कर सकता है। यीशु मसीह की सेवकाई को ठप करने के लिए आ गए थे, लेकिन एक वाक्य और एक काम उस सारी समस्या के ऊपर विजय प्रदान कर गया। यह बुद्धि का वचन, और इसकी हमें जरूरत है, खासतौर से जब हम सेवकाई करें तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि समस्या एक नहीं आती, अनेक आती, और सामने बहुत सारी चुनौतियां होंगी। किस चुनौती का किस तरीके से सामना करें पता नहीं चलेगा, परमेश्वर से पूछना होगा, वो बुद्धि का वचन देगा और वो उस समस्या से समाधान भी देगा। नए नियम में भी हम लोग इसी प्रकार से पाते हैं। हम लोगों ने देखा यूसुफ को जब स्वप्न बताया गया उसका अर्थ बता सका था, तो स्वप्न का अर्थ बताना और उसके साथ में कुछ जुड़ी हुई बातें वो बुद्धि के वचन में थी,
और इसी प्रकार हम लोग प्रेरितों के काम की पुस्तक 10वां अध्याय में पा सकते हैं, वहाँ पर पतरस को एक दर्शन दिखाया गया और दर्शन में ये था कि एक चादर स्वर्ग से उतर रहा है और उसके चारों कोनों ऊपर की तरफ है और जो झूला हुआ हिस्सा उसमें बहुत सारे जानवर हैं। और पतरस से कहा जाता है कि उठ मार और खा, 3 बार ऐसे ही हुआ। लेकिन पतरस ने देखा कि उसमें ऐसे ऐसे जानवर हैं जो व्यवस्था के मुताबिक अशुद्ध हैं, जिनकी विषय व्यवस्था मना करती है। तो पतरस ने कहा कि कोई अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में नहीं गई। आवाज आई कि जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे तो अशुद्ध मत कर। 3 बार ऐसे ही हुआ, चादर आसमान में उठा लिया गया और उसके बाद उसके दरवाजे पर कुछ लोग आए और उन्होंने खटखटाया और पूछा कि पतरस यही ठहराया क्या। पवित्र आत्मा ने पतरस से कहा चुपचाप उनके साथ चला जा। अब वो उनके साथ में चला गया और जब वो पहुंचा तो पता चला कि ये तो किसी अन्य जाति का घर है, ये तो किसी रोमी मनुष्य का घर है, ये तो रोमियों के पलटन के सरदार का घर है, ये तो कुरनेलियुस का घर है। और यीशु मसीह ने ये नहीं बताया था कि तुमको यहूदियों को छोड़कर अन्य जातियों के बीच भी जाना होगा। उसने तो उनसे कह दिया था कि मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है परंतु तुम अभी उसे नहीं सह सकते, परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें इन बातों को बताएगा। तो यीशु मसीह ने उनको ट्रेनिंग भी नहीं दी थी, जब उनको दो दो करके भेजा था तो उनको कहा था कि सिर्फ यहूदियों के पास में जाओगे, अन्य जातियों की तरफ मत जाना। तो उनको ट्रेनिंग में यहूदियों के पास जाने की दी गई थी, लेकिन अब परमेश्वर चाहता था कि वो अन्य जातियों के घर में जाए। और जब उनके घर में जाए तो ये जाने कि परमेश्वर इनके लिए द्वार खोल चुका है, उनको उसी रीति से ग्रहण करना जैसे कि यहूदियों। लेकिन उसको ये बोल कर नहीं बताया गया कि परमेश्वर अन्य जातियों को भी ग्रहण करे, उसको एक दर्शन दिखाया, क्योंकि कुछ ऐसे पशु हैं जिनका भोजन तुम ग्रहण कर सकते हो और कुछ ऐसे पशु जिनको तुम भोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। वहाँ फर्क था, परमेश्वर कुछ लोगों को यहूदियों को ग्रहण कर रहा था, बाकी लोगों को ग्रहण नहीं कर रहा था। लेकिन पतरस को आवाज़ आ रही थी जिससे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे तो अशुद्ध मत कर, मतलब परमेश्वर यहूदी और अन्य जातियों का भेद मिटा रहा है। परमेश्वर हर एक जाति में से जो भी यीशु पर विश्वास करे उसको अपने पास ले रहा है। और जब वो कुरनेलियुस के घर में खड़ा हुआ तब उसको वो भेद समझ में आया कि वास्तव में परमेश्वर क्या दिखाना चाहता था। और तब उसने खड़े होकर इस प्रकार से कहा, पद 28 प्रेरितों के काम अध्याय 10 उसके पद 28 क्या लिखा है। उसने कहा तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूँ। परमेश्वर ने मुझे ये बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूँ। दर्शन में तो उसने तो जानवर देखा था, मनुष्य थोड़ी देखा था, लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर ने जो मुझे बताया है वो ये है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूँ, अर्थात परमेश्वर सबको ग्रहण करने के लिए तैयार है, परमेश्वर अन्य जातियों को ग्रहण करने के लिए तैयार है। तो उसने जब उस संदेश को पाया, उस बुद्धि के वचन को पाया, उसने बढ़ियाओं के साथ वहाँ सुसमाचार प्रचार किया। पतरस की अपेक्षा से ज़्यादा काम हुआ, पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर उतर आया, वे पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। बुद्धि का वचन बहुत महत्वपूर्ण। आइए हम लोग एक दूसरे वरदान के विषय में देखें और हम लोगों को पहला कुरिन्थ अध्याय 12 और वहाँ पर दूसरा वरदान जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे वो हमको मिलेगा पद 10 के आखिरी में मिलता है। और किसी को आत्माओं की परख, पद 10 को हम पूरा पढ़ें तो लिखा है फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख। आत्माओं की परख ये एक वरदान है जो परमेश्वर प्रकाशन के द्वारा प्रकट करता है। जिस प्रकार से लोगों ने इसको कैटेगरी में बांटा है, कुछ वरदान जो प्रकाशन से संबंध रखते हैं, कहना चाहिए उसमें मुख्यतः जो मुख्य बात है वह प्रकाशन है, क्योंकि परमेश्वर कुछ प्रकट करता है। तो ये प्रकट करने वाले में हमने देखा ज्ञान का वचन, हमने देखा बुद्धि का वचन और अब हम देख रहे हैं आत्माओं की परख। बहुत सारे लोग इसको ठीक से नहीं समझते कि आत्माओं की परख क्या है। और वो लोग क्योंकि अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है टू अनदर द वर्किंग ऑफ मिरेकल्स, टू अनदर प्रोफेसी, टू अनदर डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट्स, डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट्स मतलब आत्माओं के विषय अंतर कर देना। लोग जब इसको नहीं समझते हैं तो इस प्रकार से कहते हैं परमेश्वर ने मुझे डिजर्निंग स्पिरिट दी है, मुझे परख का आत्मा दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं परख का आत्मा नाम की कोई चीज बाइबल में नहीं लिखी है, यह आत्माओं की परख।
आत्माओं की परख, अर्थात इस संसार में कई प्रकार की आत्माएं होती हैं, अब वो रूप बदल बदल कर सामने आ जाएंगी और कहेंगे कि हम परमेश्वर की तरफ से हैं, उनके बीच में आप फर्क कर सकते। ये जो आत्माओं की परख, पिछली बार मैं आपको कह रहा था कि परख का वरदान अलग है, क्योंकि परख का वरदान आदमी को परखना नहीं है लेकिन आत्माओं को परखना है कि जो आत्मा सामने है वो आत्मा कौन है, किस तरफ से। मुख्य रूप से तीन कैटेगरी है, एक जो परमेश्वर की तरफ से परमेश्वर का आत्मा, दूसरा जो मनुष्य की तरफ से मनुष्य का आत्मा, मनुष्य की आत्मा, और तीसरा जो संसार की तरफ से शैतान की तरफ से। इन तीनों के बीच में अंतर करने के लिए ये वरदान काम में आता है, क्योंकि वहां प्रेरित पौलुस इस बात को बता रहे थे कि शैतान आप में ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है, वो स्वर्गदूतों का रूप लेकर भी आ सकता है, वो किसी को झूठ बोल सकता है, किसी को फंसा सकता है, बहुत तरीके से काम करता है। तो इसीलिए कोई भी आत्मा आ गई तो सीधे हम पर उस पर विश्वास करें ये नहीं, लेकिन हम उसको परखना चाहिए ये किस तरफ से, और उसी को परखने के लिए वरदान दिया जाता है। उसके तहत परमेश्वर ये प्रकट करेगा कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो किस तरफ से है, वो परमेश्वर की तरफ से है या वो अपनी तरफ से बोल रहा है या वो शैतान का है। मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा, लेकिन उदाहरण को जानने से पहले हम लोग तीनों कैटेगरी के डिटेल में चले जाएं। एक है जिसको परमेश्वर का आत्मा कहा जाता है, अर्थात पवित्र आत्मा। सो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पवित्र आत्मा करता है, और उस पवित्र आत्मा के तहत कुछ ऐसे काम होंगे जिसको शैतान भी कॉपी करके करता है। परमेश्वर की आत्मा के प्रभाव में लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं जिसकी कॉपी शैतान भी करता है, और वो भी जब किसी में समाता है, दुष्ट आत्मा समाती है, तो कई बार वो ऐसे कॉपी करवाती है, और लोग अंतर नहीं कर पाते कि परमेश्वर की तरफ से कि दुष्ट आत्मा की तरफ से। तो कई लोग कह देते हैं कि सब दुष्ट आत्मा की तरफ से, मतलब जो पवित्र आत्मा ने किया उसको भी दुष्ट आत्मा वाला गिन लिया क्योंकि उसकी समझ से बाहर था। और कई लोग जो अंतर नहीं कर पाए, जो पवित्र आत्मा ने किया वैसे ही शारीरिक रूप से बाहरी रूप से उसका भी दिखाई दिया, तो उसको भी कह दिया कि पवित्र आत्मा की तरफ से। अंतर करना चाहिए, और उसी प्रकार मनुष्य की आत्मा की तरफ से भी कुछ बातें आती। पिछली बार हम लोग सीख रहे थे कि जब हम सुनते हैं परमेश्वर की तरफ से, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो आवाजें हैं वो तीन प्रकार से आ सकती हैं, वो परमेश्वर की तरफ से आ सकती हैं और मनुष्य की अपनी तरफ से आ सकती हैं, शैतान भी बोल सकता है, लेकिन शैतान हमारे भीतर में नहीं है, दुष्ट आत्मा हमारे भीतर में नहीं है, लेकिन इसलिए कि वो आत्मिक प्राणी है जैसे हम मनुष्य। मान लीजिए मेरा आपके साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं आपके बगल से गुजरते गुजरते कुछ बोल सकता हूँ जिसको आप सुन सकते हैं, उसी प्रकार शैतान भी या दुष्ट आत्मा भी आपके बगल से गुजरते गुजरते कुछ विचार आप में डाल फेंक सकते हैं, और फिर आप उसको पकड़ करके तिल का ताड़ बना सकते। तो कुछ आवाजें संपूर्ण के बीच में अंतर करना पड़ता है, अंतर करना चाहिए। और जो शैतान की तरफ से उसमें भी कई कैटेगरी, उसमें से एक तो है मसीह विरोधी की आत्मा, मसीह विरोधी जो आने वाला है, अभी तक आया नहीं है। बाइबल में अशुद्ध आत्माओं का जिक्र है या दुष्ट आत्माओं का भी जिक्र है, वह सब शैतान की ओर से है। और उसी प्रकार बाइबल में हम लोग सीख रहे थे कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं वो दुष्ट आत्माओं के द्वारा होती है, दुष्ट आत्माएं आ गई और उसको बीमार कर दी, दुष्ट आत्मा को निकाल दिए ठीक हो गए। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो दुष्ट आत्मा की वजह से, जब किसी बीमार व्यक्ति के लिए सेवकाई करना चाहते हैं तो उसमें भी हम लोगों को कई बार जरूरत पड़ेगी आत्माओं की परख, कि हम जान सके कि उसके बीमारी के मूल कारण क्या है। उसकी बीमारी का कारण अगर दुष्ट आत्मा है, हमने परख लिया तो हम दुष्ट आत्मा निकाल देंगे, आत्मा ठीक हो जाए। लेकिन अगर हम नहीं जाने तब उसका बहुत कुछ उपाय कर रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो, आत्माओं की परख होनी बहुत जरूरी, और इस अंतिम समय में तो बहुत जरूरी, और भी ज्यादा जरूरी, क्योंकि दूसरा कुरिंथ और उसके 11वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, दूसरा कुरिंथ की पत्री और उसका अध्याय 11 और उसके पद 13 से 15 देखिए, वहाँ पर लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। उसने कहा
बहुत सारे लोग झूठे प्रेरित बनकर चले आए, झूठे भविष्यवक्ता बनकर चले आए, और ये भीतर से तो फाड़ने वाले भेड़िए हैं पर बाहर से भेड़ भेड़ की खाली बांध कर चले, तुम पहचानोगे कैसे? उसने कहा कि शैतान खुद भी ऐसा करता है तो उसके लोग भी ऐसे ही करते हैं। शैतान तो खुद भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है, स्वर्गदूत बनकर आ जाएगा सामने, कुछ मीठी मीठी बातें कर जाएगा, बकाकर चला जाएगा। इसलिए अंत करना जरूरी है, और ये सिर्फ उस समय की जरूरत नहीं थी कि पहली शताब्दी में आत्माओं के बीच अंतर किया जाए, अंतिम शताब्दी में तो और भी ज्यादा जरूरी है, ताकि हम और भी ज्यादा हम फर्क कर सकें, क्योंकि शैतान और भी ज्यादा एक्टिवली काम कर रहा है। अब इसी बात को हम लोग पहला यूहन्ना की पत्री में भी पढ़ करके देख सकते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 4 और उसके पद 1 यहाँ पर लिखा है, हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल कर खड़े हुए हैं। हर एक आत्माओं की प्रतीति मत करो, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए। जो पहला यूहन्ना जब लिखा जा रहा था उस समय की स्थिति ये थी कि सुसमाचार बहुत दूर तक फैल चुका था, खासतौर से यूनान तक, और जब यूनान तक फैल चुका था तो वहां के लोग ज्ञानवादी थे, ज्ञान के माध्यम से चीजों को व्याख्या करते। आप लोग वचन पढ़ते होंगे, यूनानी तो ज्ञान की खोज में रहते, यहूदी जिन चाहते हैं वे ज्ञान की खोज में रहते थे, और उनको सुसमाचार दिया गया तो उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, लेकिन जो उनकी पुरानी थ्योरी थी उस थ्योरी को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, यीशु मसीह को पुरानी थ्योरी के साथ मिला दिया। तो जो पुरानी थ्योरी थी उसके मुताबिक जो कुछ भी शारीरिक है, जिसका कोई वजूद है, जो शारीरिक रूप से दिखाई देता है, वो बुरा है, और अगर यीशु मसीह शुद्ध था, निष्पाप था, निष्कलंक था, और उसके पास शरीर था, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर है तब तो बुरा है, लेकिन अगर वो निष्पाप तो इसका मतलब वो आत्मा था। लेकिन तब वे इस प्रकार विश्वास करते थे कि यीशु मसीह एक आत्मा था, लगता तो था कि उसके पास शरीर है, लेकिन शरीर नहीं था, वो आत्मा था, वो शुद्ध था। लेकिन तब सवाल हो गया, तब मरा कौन उस पर, तब तो उद्धार पर क्वेश्चन खड़ा हो, तो कोई नहीं मरा। और इन लोगों को ग्नोस्टिक कहा जाता था, वे अपना अपने सिद्धांत को प्रचार कर रहे थे, भरमा रहे थे लोगों को, यीशु शरीर में नहीं आया, आत्मा था, आत्मा था, उसके लिए कुछ तर्क पेश करते थे, लोगों को भरमा रहे। इसलिए उनसे कहा गया कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, पर उनको परखो। उनको परखने के लिए यहां एक फॉर्मूला दिया गया और कहा गया कि जो आत्मा ये मान लेती है, आप अगर पढ़कर देख सकते हैं, पद 2, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और यही तो मसीह विरोधी की आत्मा है। उसने कहा कि जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, क्योंकि उस समय इसी प्रकार की सिचुएशन थी, क्योंकि लोग नहीं मान रहे थे यीशु शरीर में होकर आए, वो आत्मा था ये मान रहे थे, तो उनके लिए एक फॉर्मूला भी दे दिया गया। अगर कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि यीशु मसीह शरीर में नहीं था, वो आत्मा में था, वो सिर्फ आत्मा था, तो उसकी मत माननी, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो मसीह विरोधी की आत्मा। लेकिन अब देखिए मसीह विरोधी दूसरे रूप में आने लगा है। अब जितने भी आएंगे वे जरूर इतना मानेंगे कि यीशु मसीह शरीर में होकर आए, क्योंकि यहाँ तो प्रॉपर लिखा हुआ है, जो नहीं मानती उसकी तुम भी मत मानो मसीह विरोधी की ओर से, तो जो नहीं लिखा हुआ है उसकी आड़ में चले आते। अब फिर कहेंगे कि हाँ यीशु को तो मानते हैं, वो शरीर में होकर आया, आप इस वचन को उन पर लागू नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हमारे लिए कहा गया कि आत्माओं को परखो, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य यही होगा कि आपको यीशु मसीह से बहका कर किसी दूसरे पर ले जाए। मसीह विरोधी की आत्मा, एंटी क्राइस्ट की आत्मा, मतलब मसीह है तो उसका एंटी, मतलब मसीह से बहका कर आप किसी और पर ले जाए, मसीह से बहका के आपको किसी माता पर ले जाए, किसी पिता पर ले जाए, किसी वस्तु पर ले जाए, किसी संत पर ले जाए। अगर कोई भी आत्मा इस रीति से काम करे तो मसीह विरोधी की आत्मा है, मसीह के एंटी काम करे। अगर परमेश्वर का आत्मा है तो वो लोगों को मसीह के पास लाने के लिए काम करता है। तो आत्माओं को परख, सिद्धांत के हिसाब से भी हम लेकर के परख सकते हैं, लेकिन परखने की बात कही गई है तो हम आत्माओं को परख सकते हैं उस वरदान के द्वारा। तो हम लोगों को ये परख होनी चाहिए, तब हम परख सकते हैं, हम जान सकते हैं। और इसी प्रकार बहुत जगह आपको ये वर्णन भी मिलेगा
यहूदा के पूरे पहले अध्याय को पढ़िए, दूसरा पत्रस उसके पूरे दूसरे अध्याय को पढ़िए, वहाँ पर आपको मिलेगा कि किस किस प्रकार के लोग वहाँ पर आ चुके थे और उनके बीच में उनको ज़रूरत थी कि वे लोगों को परखें, समझें, जानें वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। वो परमेश्वर की ओर से हो सकते थे, वो शैतान की ओर से हो सकते थे, वे अपनी तरफ से भी बोल सकते थे। कई बार बहुत सारी भविष्यवाणियाँ होती है, लोग करते हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं आई होती, वो शैतान की ओर से भी नहीं आई होती, मनुष्य का अपना उतावलापन होता है। मैं भविष्यवाणी के वरदान पर जब आऊँगा तो मैं बताऊँ, कोई भी भविष्यवाणी का वरदान जब भी लिखा हुआ है उसके साथ परखने के विषय में जरूर लिखा, भविष्यवाणी को परखो। हम लोग हाथों हाथ उसको नहीं लेते, फलाने व्यक्ति ने कहा, परखना बहुत जरूरी है। मनुष्य की तरफ से हो सकता है, लूका रचित सुसमाचार और उसके 9 अध्याय और उसके 55, वहाँ पर ऐसा हुआ कि यीशु के जो चेले थे वे लोग चाह रहे थे कि क्योंकि सामरी हमें ग्रहण नहीं करते अपने घर में या अपने शहर में, हमें जगह नहीं दे रहे, यरूशलेम जा रहे हैं, इसलिए बोल रहे जाओ तब हम लोगों के पास मत आओ, ऐसा करेंगे हमारे साथ आग गिरा कर हम लोग इनको नष्ट कर देंगे। यीशु से कहने लगे, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर इनको भस्म कर दे? पद 55, परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों को नष्ट करने नहीं परंतु बचाने के लिए आया। तुम कैसी आत्मा के हो? क्योंकि जो कह रहे थे वे अपनी आत्मा के द्वारा कह रहे थे, और परमेश्वर की ओर से प्रेरित होकर नहीं कह रहे थे, और शैतान से भी प्रेरित होकर नहीं कह रहे थे, वे अपनी आत्मा से कह रहे थे। उनका अपना अपनी थिंकिंग थी, अपनी सोच थी, घुसने नहीं दे रहे, यहाँ आग गिरा देंगे। तो हम लोगों को कई बार परखना पड़ता है, ये हमारी तरफ से या कोई मनुष्य बोल रहा है तो यानी कि हाथों हाथ हमने उसको ले लिया, मनुष्य बोल रहा है परमेश्वर की तरफ, उसका नाम लेकर बोल दिया है, सच्ची बोला नहीं, कभी नहीं, हमेशा परखने का सवाल यहाँ परखते। मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूँ, प्रेतों के काम की पुस्तक में मिलेगी। अगर ये परख का वरदान, आत्माओं की परख का वरदान नहीं होता तो ये घटना भी नहीं होती। प्रेतों के काम अध्याय 16, वहाँ पे पद 16 से आगे अगर आप पढ़ेंगे पद 18 तक, तो यहाँ लिखा है अध्याय 16 पद 16 से, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने की आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वो उसी घड़ी उसमें से निकल गया। पौलुस अपने लोगों के साथ सीलास के साथ में वहां पर पहुंचा हुआ था। पौलुस, सीलास, लूका के लोग गए थे मकिदुनिया, परमेश्वर ने बकायदा उनको भेजा था, और वहां पर जब पहुंचे तो पता चला कि पहले से उनको पता नहीं रहा होगा, लेकिन एक लड़की थी जिसमें एक भावी कहने की आत्मा थी अर्थात शैतान की ओर से, और वो कुछ ऐसी ऐसी बातें कह देती थी जिससे लोग प्रभावित हो जाते, जैसे ज्ञान का जो वचन है शैतान इसको कॉपी कर सकता है। जैसे मान लिया किसी की बकरियां खो गई, जैसे साउल की गधियां, तो दुष्ट आत्मा को भी मालूम हो सकता है कि वो बकरियां कहाँ हैं, तो अपने व्यक्ति को बता देगा कि बकरियां उस जगह हैं, तो जाकर लोग ढूंढेंगे तो पाएंगे कि वही है, तो सच बोलती है, तो ऐसे करके बिजनेस चल पड़ा, तो उसमें भावी कहने की आत्मा थी। और उसके बाद जब पौलुस और उसके साथी लोग वहां पहुंचे सुसमाचार सुनाने लगे तो वो क्या कहने लगे, ये लोग परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। क्या गलत बोल रही थी, सही बोल रही, सच बोल रही, कई दिन तक ऐसे ही करती रही, लेकिन पौलुस ने परख लिया कि ये परमेश्वर की तरफ से नहीं, बोलने का तो सच बोल रही है लेकिन ये परमेश्वर की ओर से नहीं, इसको निकाल देना चाहिए, और उसने उसको निकाल दिया, आउट कर दिया, और उसी घड़ी ठीक हो गया। जानते हैं वहां पे उसका ड्रामा क्या था, मैंने इस पर गहराई से थोड़ा सोचा, क्योंकि उस आसपास के क्षेत्र में वो भावी कहने वाली लड़की बहुत फेमस हो गई होगी, किसी के पास कोई समस्या उसके पास चली जाओ वो कुछ समाधान दे देती है, तो लोग सब उसके पास में आते थे, और जो अन्य जाते थे तो क्या सोच रहे होंगे, इसको परमेश्वर की तरफ से कुछ अलौकिक मिला है।
और उसके बाद असल में परमेश्वर की तरफ से इधर पौलुस लोग आ रहे हैं और जब सोच समाचार सुना रहे हैं तो ये लड़की ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम लोग एक ही पार्टी के हैं, तुम लोग तो ऑलरेडी जानते हो कि मैं परमेश्वर की तरफ से हूँ और ये लोग भी परमेश्वर की तरफ से, हम लोग एक ही पार्टी के हैं, ताकि जब पौलुस और उसके लोग चले जाए तो जितने लोगों को उसने जीता है सबको वापस अपने तरफ ले लें। बहुत खतरनाक साजिश। ये लोग परम प्रधान परमेश्वर के सेवक हैं, हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं, कुछ गलत नहीं था इसमें, लेकिन पौलुस के पास में आत्माओं की परख थी और उसने परख लिया कि ये परमेश्वर की तरफ से नहीं बोल रहे और उसने उसको आउट कर दिया। इसी प्रकार जो दुष्ट आत्मा है वो साजिश करती है, वहां आप किसी वचन के तहत में कई बार जांच नहीं कर पाए, कौन से वचन के मुताबिक वो जांच करता है, कहां पर लिखा हुआ था कि जो बोले ये तुमको सपोर्ट करे, तुम्हारे विषय में सही कहे, वो दुष्ट आत्मा है, कहीं पर लिखा हुआ नहीं था जिसके अनुसार वो उसको परख सकता है, सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा उसको प्रकट किया जा सकता था और उसको प्रकट किया गया और फिर वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकाल दी गई। हम लोग पुराने नियम में एक उदाहरण पाते हैं, पहला राजाओं की पुस्तक और उसके अध्याय 22, पहला राजा अध्याय 22 और उसके पद 5-28, वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिकाया और जो अहाब है वो बहुत दुष्ट राजा है और उसने क्या किया, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे नबियों को अपने पास में रखा जो झूठी भविष्यवाणी करे और परमेश्वर ने अहाब को दंड देने का निश्चय किया था, इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि वो पुराना नियम था, नए नियम में परमेश्वर दूसरे ढंग से काम कर रहा है, क्योंकि नए नियम में यीशु मसीह आ चुका तो बातें बदल गई, उस समय तक यीशु मसीह नहीं आया, तो दुष्ट आत्मा की तरफ से बहकाए जाकर वहां के भविष्यवक्ता अहाब के लिए भविष्यवाणी कर रहे थे कि सब कुछ बहुत ही अच्छा है, तुम ऐसे ही करते रहो, जीत जाओ। और तब मिकाया को बुलाया गया, मिकाया परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, वो झूठा भविष्यवक्ता नहीं था, और जब मिकाया वहां पर पहुंचा तब उसने पहले ही से जान लिया था कि ये लोग दुष्ट आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी कर रहे हैं, झूठ बोलने वाली आत्मा इनमें घुसी हुई है और उसके द्वारा ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। और तब मिकाया ने पोल खोल कर रख लिया, हालांकि मिकाया की बात पर लोगों ने विश्वास किया, लेकिन ये घटना उस समय घटी और मिकाया ने जान लिया कि ये किस आत्मा के वश में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो हम लोगों को जब हम बाइबल खोलकर देखेंगे तो हम पाएंगे कि दुष्ट आत्मा बड़ी चालाकी से काम करती रहती है, तो इसलिए आत्माओं की परख होना बहुत जरूरी, खासतौर से इस अंतिम समय, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो मसीह का भेष धरकर चले आए, बहुत सारे लोग होंगे जो परमेश्वर के सेवकों का रूप धरकर चले आए और वे अपने आप को बताएंगे कि हम परमेश्वर की ओर से हैं, लेकिन हम लोगों को कोई भी अपने आप को परमेश्वर का जन बता रहे तो आंख मूंद कर पीछे चले जाने की जरूरत है। मैंने कभी भी आपको यहाँ वचन प्रचार किया तो हमेशा आपको बताया कि किसके तहत में प्रचार करूँगा, आप मुझको परख सकते, चेक कर सकते, आप इस बात को जान सकते, मैंने हमेशा अपने आप को इस कैटेगरी में रखा कि आप मुझे परख कर देंगे। लेकिन जो झूठा व्यक्ति होगा वो कभी नहीं बोलेगा कि मुझे परख कर देंगे, तो इसलिए हम लोगों को आत्माओं की परख का वरदान बहुत सहायता करेगा कि हम इन चीजों को देख सकें, सीख सकें। आइए हम लोग दूसरे वरदान में जाएं। हम लोगों ने दो वरदानों को देखा, उसमें से एक है बुद्धि का वचन और एक है आत्माओं की परख। फिर से हम लोग पहला कुरिन्थ की पत्री में जाएंगे वापस, अध्याय 12, पहला कुरिन्थ अध्याय 12 और उसके पद 8। पहला कुरिन्थ अध्याय 12 और उसके पद 8 से वहां पर लिखा है, 8 से अगर हम 10 तक पढ़ें तो हम लोग 10 को ही देख लेते हैं। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की। अब हम लोग जिस वरदान के विषय में सीखेंगे वो वरदान है भविष्यवाणी का वरदान।
और तभी हम लोग ज्ञान के वचन के विषय में सीख रहे थे, तो मैंने कहा था कि ज्ञान के वचन के तहत परमेश्वर हमें भूतकाल की बातों को भी प्रकट कर सकता है, परमेश्वर हमें वर्तमान काल की बातों को भी प्रकट कर सकता है और भविष्य काल की भी बातों को प्रकट कर सकता है। तो फिर भविष्यवाणी का वरदान क्या है? दरअसल भविष्यवाणी का वरदान वो वरदान है जिसके तहत परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करने के लिए एक संदेश देता है। देखिए, परमेश्वर सारी बातों को जानता है, लेकिन जिन बातों को जानता है वो उसकी योजना नहीं भी हो सकती, लेकिन परमेश्वर की एक योजना अलग से है और उस योजना को पूरी करने के लिए वह अपने लोगों को चुनता है और उनके मुख से बोलता है और तब जाकर उनको पूरा करता है। परमेश्वर के काम करने का तरीका यही। आमोस की पुस्तक में देखिए, आमोस की पुस्तक और उसके 3 अध्याय और उसके 5-7, आमोस की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसके 5-7, यहां पर लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। परमेश्वर अपना मर्म अपने दास भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किए बिना कुछ नहीं करेगा। हम लोगों ने बहुत पहले इस बात को सीखा था कि स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। अगर उसने मनुष्यों को दे दी है तो मनुष्यों के अधिकार में है। तो परमेश्वर को यहां जब भी काम करना होता है तो मनुष्यों के द्वारा काम करता है, मनुष्यों के अधिकार के द्वारा काम करता है। तो अगर परमेश्वर को स्वर्ग से यहां पर कुछ काम करना हो तो आरंभ से उसने क्या किया, किसी मनुष्य को चुना और करने से पहले उसको बुलवाया विश्वास के द्वारा, या उसको प्रार्थना करने के लिए कहा, प्रार्थना करने का बोझ दिया और उस व्यक्ति ने उस तरीके से परमेश्वर के लिए मार्ग खोला और वो सारा काम हुआ। तो उस तरीके में एक काम यह भी शामिल था कि परमेश्वर लोगों को चुने, भविष्यवक्ताओं को चुने और भविष्यवक्ता उसकी आत्मा से भर करके बोले और ऐसी चीजें बोले जिसको परमेश्वर करना चाहता है, और जब वे बोले तो उसके द्वारा मार्ग तैयार हो जाए ताकि एक दिन परमेश्वर लीगली उस काम को कर सके, कोई उसको चुनौती नहीं दे सके, शैतान उसको चुनौती नहीं दे सके कि तूने इलीगल काम किया है। मनुष्य को अधिकार दिया लेकिन तूने उस अधिकार को खुद दरकिनार करके काम कर लिया। तो इसलिए वो भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा काम करता था। यहां तक कि जो पुराने नियम में जितने लोग, क्योंकि पुरानी वाचा थी तो उस समय उन लोगों को दंड की वाचा भी दी गई थी, अगर वे आज्ञाकारी नहीं होते थे, परमेश्वर की बातों को तोड़ देते थे तो उन पर श्राप लिखा गया था। लेकिन श्राप लाने से पहले भी भविष्यवक्ता वहां पर आते थे और भविष्यवक्ता आकर के उनको कहते थे कि तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो परमेश्वर दंड देगा, ऐसा नहीं करोगे तो मर जाओगे, ऐसा नहीं करोगे तो बदवाई में चले जाओगे, ऐसा नहीं करोगे तो ये, और नहीं करते थे तो ऐसा हो जाता था। तो जब भी अगर दंड भी देना होता था तो उसके पहले भविष्यवक्ता आता था संदेश लेकर और फिर वो बोलता था। अगर आशीष भी आने वाली बातें होती थी तो भविष्यवक्ता आता था और बोलता था और उनके बोलने के मुताबिक परमेश्वर का काम होता था। और इसमें सबसे मुख्य था, क्योंकि यीशु मसीह को इस धरती पर लाने की योजना थी तो उसमें सबसे मुख्य यही था, बाकी जो कुछ भी हो लेकिन यीशु मसीह इस धरती पर आ जाए। और अगर यीशु मसीह धरती पर आएगा तो शैतान के लिए परेशानी होगी, तो शैतान उसको रोकने का प्रयास जरूर करता, इसलिए उसने इतने ज्यादा भविष्यवक्ताओं को चुना कि लगभग हर भविष्यवक्ता ने यीशु मसीह के विषय में कुछ ना कुछ कह दिया कि बार बार उसको बोला जाए, बार बार उसको बोला जाए और उस प्रकार से यीशु मसीह का आना सुनिश्चित हो जाए। किसी ने कह दिया कि कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र को जन्म देगी, किसी ने कह दिया कि बैतलहम में प्रातः से आएगा, किसी ने कह दिया कि वो दुख उठाएगा, किसी ने कह दिया कि जिसने जिन्होंने उस पर भेदा है वो उस पर दृष्टि करेंगे, किसी ने कह दिया कि वो सोनार की आग और धोबी के साबुन की तरह होगा, किसी ने कह दिया, मूसा ने कह दिया मेरे समान एक नबी आएगा। तो उसके लिए यीशु मसीह को अगर आना था तो क्या जरूरी था कि पहले उसको बोला जाए और तब वो आए, या अगर एक बार बोल दिए तो एक बार बोल दिए काफी था और उसके बाद वो आ जाता। लेकिन भविष्यवक्ताओं को बार बार खड़ा किया गया ताकि वे बार बार बोले, बार बार बोले और परमेश्वर का काम वहां पर पूरा हो जाए। तो दरअसल भविष्यवक्ता क्या करते थे, भविष्यवक्ताओं पर परमेश्वर का आत्मा आता था और उसकी आत्मा से भर कर वो एक संदेश लोगों के बीच में लाते थे। उस संदेश में आने वाले युग के लिए परमेश्वर की योजना हो सकती थी, या उस संदेश में कुछ चेतावनी हो सकती थी, उस संदेश में कुछ उपदेश या सुधारने की बातें हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था जो उसकी आत्मा में होकर के वे बोल देते थे, वो भविष्यवाणी थी। भविष्यवाणी का वरदान यही है।
अब जितनी भी भविष्यवाणियां थी, सारी भविष्यवाणियों का केंद्र बिंदु यीशु मसीह था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आइए, प्रकाशित वाक्य अध्याय 19, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके अध्याय 19 और उसके पद 10 को, उसके आखिरी लाइन को हम लोग देखें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके आखिरी को देखते हैं, 10वां पद उसके आखिरी। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। उसने कहा कि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। अब देखिए यहां पर जो भविष्यवाणी की आत्मा है, तो कंफ्यूज मत हो जाइए कि भविष्यवाणी की आत्मा अलग होती है, परख की आत्मा अलग होती है। हम लोग आत्मा शब्द कई बातों उसके मूल तत्व को प्रकट करने के लिए करते हैं। कई बार जैसे हम लोग कहते हैं भारत की जो आत्मा है, उसका मतलब नहीं कि भारत की कोई आत्मा है। उसके मूल तत्व को प्रकट करने के लिए हम कहते हैं। तो उसी प्रकार भविष्यवाणी की जो आत्मा, अर्थात भविष्यवाणी का केंद्र बिंदु क्या है? यीशु की गवाही। इसको मैं उल्टा पढ़ूं तो ज्यादा समझ में आएगा। भविष्यवाणी की आत्मा यीशु की गवाही है। भविष्यवाणी का केंद्र बिंदु, भविष्यवाणी का मूल तत्व यीशु की गवाही है। कोई भी भविष्यवाणी ऐसी नहीं है जिसका मूल तत्व यीशु मसीह ना हो। बहुत प्रकार की भविष्यवाणियां चली आती हैं और कई बार लोग हाथों हाथ उनको इंटरटेन करते हैं, लेकिन अगर उसमें यीशु की गवाही कहीं ना कहीं गुप्त रूप से भी छिपी हुई ना हो, तो वो परमेश्वर की ओर से तो नहीं है कम से कम। क्योंकि भविष्यवाणी की आत्मा, भविष्यवाणी का मूल तत्व यीशु की गवाही है। पुराने नियम के जितने भविष्यवक्ता थे, उन्होंने भविष्यवाणी की कुछ भी कहा, उसके मुख्य केंद्र बिंदु में था यीशु की गवाही। बहुत सारे भविष्यवक्ता जैसे यिर्मयाह आकर कहता था अपने चाल सुधारो, काम सुधारो, ऐसा नहीं होगा, बेबीलोन आ जाएगा, फिर तुम लोगों को बंधुआई में चले जाना पड़ेगा, 70 साल गुलामी में रहोगे, वगैरह वगैरह वगैरह। उनको उनकी समस्याओं को बताता था, तुम ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। उसमें यीशु की गवाही कहाँ छुपी हुई थी? उसमें यीशु की गवाही यहाँ छुपी हुई थी कि वो उनको बता दे रहा था कि तुमको परमेश्वर ऐसा करने के लिए कह रहा है, पर तुम कर नहीं पा रहे, और इसके लिए तुमको छुटकारा देने वाले की जरूरत है। जो पुरानी वाचा के तहत तुम चल रहे हो, उस वाचा से तुम मर जाओगे, इसलिए तुम्हें नई वाचा की जरूरत है। इसलिए तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो तुमको नई वाचा में लेकर जा सके, एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो तुमको वहां से छुटकारा दे सके, और वो मसीह था। तो जो भी संदेश में लेकर आते थे, उसके मूल तत्व यीशु मसीह था, यीशु की गवाही। तो कुल मिलाकर जब हम देखें तो भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी एक संदेश है जो परमेश्वर की तरफ से आती है, जिसमें परमेश्वर की तरफ से कोई चेतावनी हो सकती है, परमेश्वर की तरफ से कोई मैसेज हो सकता है जो लोगों के लिए जरूरत है, या परमेश्वर के भविष्य की कोई योजना हो सकती है जिसको वो कह करके पूरा करवाना चाहता है। अगर हम लोग नए नियम में देखें भविष्यवाणी के विषय में क्या लिखा है, तो हम लोग पाएंगे पहला कुरिंथ अध्याय 14 में, पहला कुरिंथ और उसके अध्याय 14, वहां पे लिखा है पद 3 पढ़ेंगे, या लिखा है प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह की भविष्यवाणी करो। पद 3, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। उसने कहा कि सबसे बढ़कर मैं चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणी करो, और जो भविष्यवाणी करता है वो क्या करता है? 3 प्रकार की बातें आती हैं उसमें, वह मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखता है कि बट ही दैट प्रोफेसाइथ स्पीकेथ अनटू मेन टू एडिफिकेशन एंड एक्सोटेशन एंड कंफर्ट, एडिफिकेशन, एक्सोटेशन एंड कंफर्ट। मतलब एक ऐसा संदेश जिसमें मनुष्यों के लिए या कलीसिया के लिए उन्नति की बात हो, जिसमें कलीसिया के लिए उपदेश की बात हो, उनके उनके बढ़ावा देने की बात हो जिससे आगे बढ़ सके, और या उनको सांत्वना देने की बात हो, शांति की बात हो। वो संदेश दरअसल भविष्यवाणी, और उसमें भविष्य की बात भी शामिल हो सकती है, वो बात जो परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। भविष्य का पूर्व ज्ञान अलग है, ज्ञान का वचन,
वो परमेश्वर जानता है ऐसा होगा, लेकिन जो होगा वो परमेश्वर की योजना नहीं भी है। संसार में बहुत कुछ हो रहा है, वो बीमार होगा या फिर कहीं भूकंप आ जाएगा या लोग बाढ़ से मर जाएंगे। परमेश्वर भला परमेश्वर, परमेश्वर ऐसा नहीं कर रहा, परमेश्वर इसकी योजना नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर जानता है, वो पूर्व ज्ञान के तहत उनको प्रकट कर सकता है, परंतु वो ज्ञान का वचन है। लेकिन वो संदेश जिसके द्वारा उन्नति हो जाए, जिसके द्वारा कुछ उपदेश मिल जाए, उपदेश मतलब उपदेश देना वाला नहीं, एक्सोटेशन मतलब कुछ ऐसी बातें जिससे उसमें कुछ कार्य हो जाए, जिससे वो उन्नति कर जाए और उसको सांत्वना मिल जाए। उसमें भविष्य की बात भी हो सकती है, जैसे पुराने समय में नबी इस बात को कहते थे कि अभी तो ऐसा ऐसा हो रहा है, परंतु एक राजा आएगा जो धर्म से राज्य करेगा, एक मसीहा आएगा जो छुटकारा देगा। तो वे शांति की बातें कहते थे, एक भविष्य में आने वाली शांति। और अभी भी हमारे विषय में भविष्यवाणी की गई है, एक नया आकाश नई पृथ्वी होगी, एक उत्तम समय आने वाला है जिसमें नया आकाश नई पृथ्वी होगी और लोग उसमें धार्मिकता के साथ में रहेंगे। तो वो संदेश है, तो इस प्रकार का संदेश कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो संदेश कई बार कलीसिया के लिए जरूरत पड़ता है। मान लिया कलीसिया गलत डायरेक्शन में जा रही है और उस समय जरूरत पड़ता है कि परमेश्वर का कोई जन वहां पर खड़ा हो, परमेश्वर की तरफ से एक संदेश को बोले कि तुम्हारे लिए ये संदेश। वो संदेश चेतावनी भी हो सकता है। अगर हम लोग पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक और उसके अध्याय 26 और उसके पद 1-2, तो वहां पर लिखा है 1-12 तक, तो वहां लिखा है, अगर आप पूरा पढ़ें तो वहां पर यिर्मयाह को एक संदेश दिया जाता है जो चेतावनी से संबंधित है और ये भविष्यवाणी का संदेश। इसको आप लोग लंबा है, इसलिए आप लोग घर में जाकर पढ़ लीजिए। हम लोग दूसरा उदाहरण देखेंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय। हमारे पास में समय थोड़ा कम है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा जल्दी देख लें। दूसरा अध्याय और उसके पद देखिए, अगर आप पद 1 से ही देखें, लगातार आप पढ़ेंगे पद 7 तक, तो वहां पर यूहन्ना को भविष्यवाणी का एक संदेश बताया जा रहा है और इसको संदेश को लिख करके इफिसुस को भेजना था। और उस संदेश में कुछ उत्साह की बात आप अगर पढ़ें, पद 2 से, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता हूँ और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है, मेरे नाम के लिए तू दुख उठाते थका नहीं। तो उसने कुछ उत्साह की बातें कही कि तूने ऐसा किया, तूने अच्छा किया, इफिसुस के लोगों, तुम लोगों के बीच में ये खासियत है, बड़ी अच्छी बात है, मेरी तरफ से तारीफ है, लेकिन मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, मन फिरा और पहले के समान अपना काम कर। तो उसको एक संदेश दिया गया और उस संदेश में कुछ उत्साह की बात है कि जो तुम कर रहे हो उसमें बहुत सारी बातें अच्छी हैं और उसको करते चले जाओ, लेकिन जो कमी है वो कमी ये है कि तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, तो इसलिए तुम वापस उस पहले से प्रेम से मेरे मुझसे प्रेम करो। और ये चेतावनी का संदेश था और चेतावनी के तहत पाप प्रकट किया गया, एक गलती को प्रकट की गई, ये कमी तुम्हारे बीच में पाई गई। तो जो भविष्यवक्ता होते कई बार लोगों की गलती को भी प्रकट कर सकते हैं ताकि वे लोग वहां से हट जाएं। मैंने इस बारे में ध्यान से सोचा कि भविष्यवक्ता जो है उनकी सेवकाई किस प्रकार से, तो मैंने पाया कि भविष्यवक्ताओं की सेवकाई उनके समान है जो लोग ब्यूटी पार्लर में काम करते हैं। मतलब जो लोग ब्यूटी पार्लर में काम करते, ब्यूटी पार्लर में बहुत सारे दुल्हनों को लाए जाते हैं सजाने के लिए और फिर लोग बड़े ध्यान से उसको देखते हैं, सजाते और संवारते हैं। अगर कोई दाग धब्बे हैं तो उस पर पेंट करते हैं और उसको एकदम ऐसा बना देते हैं कि दूल्हा देखकर लगे कि वाह। पर वैसा भविष्यवक्ता नहीं करते कि पेंट कर दिया। अगर कोई दाग दिख रहा है भविष्यवक्ता को तो उस दाग को दूर करने के लिए वो वहां पर उंगली रखेगा, देखो यहाँ पे है। इसलिए ऐसी सेवकाई कई बार आ जाती है जहां पर लोग चले आएंगे परमेश्वर के लोग भविष्यवक्ताओं की सेवकाई के तहत और जहां पर गलती है वहां पर उंगली रखेंगे, एक भी सफेद बाल उसको नजर आए तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा। दुल्हन बनने जा रही है, सफेद बाल लेके शादी करेगी, रंगो उसको। तो भविष्यवक्ताओं के
सेवकाई के तहत में लोग आते हैं और वहां पर कोई भी कलंक या कोई भी झुर्री या कोई ऐसी वस्तु दिखाई देती है जो सुटेबल नहीं है, जो तेजस्वी होने के काबिल में नहीं है, तो वे उस पर पॉइंट करेंगे, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे सुधारना चाहिए। ये भविष्यवाणी का एक पाठ है और यहाँ पर वही काम किया जा रहा था इफिसुस के साथ, उनमें अच्छी बातों को बताया जा रहा है, ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा, पर ये अच्छा नहीं। लेकिन भविष्यवाणी के वरदान के तहत आपको जानना चाहिए कि बोलने का भी एक खास तरीका है। देखिए इनको कितने ढंग से बोला गया, उनको सीधे सीधे नहीं बोल दिया गया, बाकी सब अच्छा है उसको क्या बोलना, जो गलत है उसको बोलते हैं, तुमने अपना पाना सा प्रेम छोड़ दिया, सुधर जाओ नहीं तो। उनको पहले तारीफ की गई कि जो तुम्हारा अच्छा है उस पार्ट को भी हम कह रहे हैं और वो सचमुच अच्छा है और तुम्हारा इसके साथ में ये चीज मिसिंग है, इस पर ध्यान दो। उसी प्रकार यहाँ पर सात कलीसियाओं का वर्णन है, उन सातों कलीसियाओं के बारे में पढ़कर देखिए, वहाँ आत्मा की सहायता से यूहन्ना उनको लिख लिख कर भेज रहा है और ये बता रहा है कि तुम्हारे बीच ये अच्छा है और ये बुरा है, इसको ठीक कर लो। तो भविष्यवाणी के वरदान के तहत पापों का प्रकटीकरण भी हो जाता है, उसमें उन्नति उपदेश शांति की बातें चली आती है। अगर पापों को प्रकट नहीं किया जाएगा, पापों को प्रकट तभी किया जाता है जब वो अपने आप से एहसास नहीं कर रहा है या उसको इग्नोर कर रहा है। अगर वो अपने आप से एहसास कर रहा है तो वो कुछ सुधार देने की बात करेगा, लेकिन अगर वो एहसास नहीं कर रहा है तो उसको एहसास दिलाना पड़ेगा ताकि वो ठीक किया जाए, क्योंकि तेजस्वी होने में एक तरफ ठीक ना हो ये अच्छी बात नहीं, और दूसरा कि वो इग्नोर कर रहा है, पापों को करते जा रहा है ढिठाई के साथ में समझ भी रहा है फिर भी कर रहा है, तब जरूरी पड़ गया कि कोई आदमी आकर उसको टोके और वो आदमी आकर उसको टोक दिया, तब उसको लगा कि बुरा लगा कि अरे बोल दिया, और तब जाकर वो सुधारने के लिए प्रयास करें। तो ये सारी बातें भविष्यवाणी का एक हिस्सा है और उसी प्रकार भविष्य के लिए बातें भी चली आती हैं जिसको आप समझते ही हैं, उसके लिए हम लोग कोई कोटेशन नहीं ले रहे हैं। लेकिन जब भविष्यवाणी की बात है और उसमें भविष्य की कोई बात होगी, मान लिया भविष्य के लिए परमेश्वर की एक योजना प्रकट की जा रही है कि परमेश्वर ये करने जा रहा है, तो उसमें कई बार कई भविष्यवाणी ऐसी होती हैं जिनको हम कंडीशनल कह सकते हैं और कई भविष्यवाणी ऐसी होती हैं जिसको अनकंडीशनल कह सकते हैं। कंडीशनल भविष्यवाणियाँ ऐसी भविष्यवाणियाँ जो किसी कंडीशन पर डिपेंड करती हैं कि ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, और कुछ भविष्यवाणी ऐसी होंगी जो बस बता दिया जाता है कि ऐसा होगा और वो हो जाता है। जैसे कि परमेश्वर ने योना को भेजा और उसको एक संदेश दिया गया था कि जा करके नीनवे में प्रचार करो, आज से 40 दिन बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा, फिर उसको नहीं बताया गया था कि आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, लेकिन योना को मालूम था कि क्यों, क्योंकि वहां पर बुराई बढ़ गई थी और योना नहीं चाहता था कि नीनवे के लोग बच जाएं, क्योंकि नीनवे अश्शूर की राजधानी थी, अश्शूर इसराइल का दुश्मन था, तो योना कभी नहीं चाहता था कि दुश्मन लोग बच जाए। योना ने जाना नहीं चाहा, फिर भी परमेश्वर ने उसको वहां पर किसी तरीके से भेजा, पहुंचा और उसने जब प्रचार किया कि आज से 40 दिन बीतने पर नींद में उलट दिया जाएगा, फिर योना छप्पर लगाकर देखने लगा कि मैं उनको उलटते हुए देखो कितना मजा आएगा, लेकिन इस बीच उन्होंने मन फिरा लिया और 40 दिन बीत गए पर नींद में नहीं उलटा गया, मतलब उसका विनाश नहीं हुआ, लोगों ने परिवर्तन कर लिया, उन्होंने मन फिरा लिया। तो उसी प्रकार से परमेश्वर ऐसी भविष्यवाणियों को भी दे सकता है जो कंडीशनल है। यहाँ पे जो भविष्यवाणी थी इस बात पर कंडीशन थी कि वे मन फिराएंगे तो वो भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी, लेकिन मन नहीं फिराएंगे तो जरूर नीनवे बर्बाद कर दिया जाएगा। तो परमेश्वर दोनों प्रकार की बातें दे सकता है भविष्य से संबंधित। सो यदि आप भविष्यवाणी के वरदान के तहत काम करते हैं और भविष्य की बातें बता रहे हैं तो आपको मार्क करना चाहिए या फिर ध्यान देना चाहिए परमेश्वर की तरफ कि क्या ये भविष्यवाणी जो भविष्य की बात है वो कंडीशनल है या अनकंडीशनल। अगर कंडीशनल है तो आप उसको उसी समय प्रकट भी कर दीजिए, अगर अनकंडीशनल है तब तो चलेगा, कंडीशन है तो उसको बता दीजिए कि ये सारे कंडीशन भी साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप नहीं बताएंगे और कल को आपने कह दिया और वो पूरा नहीं हुआ तो फिर लोग आप पर सवाल उठाएंगे, कहेंगे कि आप झूठे बोल सकते हैं, आप कहते हैं और होता नहीं। यहाँ पे बड़ी गलती हो जाती है लोगों से कि कंडीशनल है और उसके बाद में जब नहीं होता है तब फिर कंडीशन निकाल के बताते हैं कि नहीं तो ऐसा नहीं कि इसीलिए नहीं हुआ, तब पहले क्यों नहीं बोले,
तो कंडीशनल है तो पहले बोल दीजिए, और अनकंडीशनल है तो उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं। हम लोग एक और पद निकालें, पहला कुरिंत अध्याय 14, पहला कुरिंत और उसके अध्याय 14, भविष्यवाणी के वरदान के तहत कुछ बातें हैं, इसको देखकर हम लोग समाप्त करेंगे। अध्याय 14 भविष्यवाणी से संबंधित कुछ निर्देश हैं और वो यहाँ पर है। अध्याय 14 और उसके पद 28 से लिखा है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 लोग बोले और शेष लोग उनके वचन को परखें। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब के सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखें और सब शांति पाए। भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है। तो वहाँ की परिस्थिति ये थी कि कुरिंत के लोग वरदानों के बहुतायत में थे और बड़े बेतरतीब ढंग से वरदानों का इस्तेमाल कर रहे थे। इस वजह से जो लाभ आना चाहिए था वो लाभ नहीं आ रहा था, परंतु नुकसान हो रहा था। तो उसको व्यवस्थित करने के लिए पौलुस को लिखना पड़ा और उसने कहा कि अन्य भाषा बोलने वाला सिर्फ अन्य भाषा न बोले, कि सामने आया अन्य भाषा में लोगों को उपदेश दे दिया और चला गया, अन्य भाषा में प्रार्थना कर दिया चला गया, अन्य भाषा में गीत गा दिया और चला गया, ऐसा ना हो, व्यवस्थित कर रहा था। उसने उसी प्रकार भविष्यवक्ताओं के लिए भी निर्देश दिए, भविष्यवाणी करने वालों के लिए, और उसने कहा कि ज्यादा लोग भविष्यवाणी न करें, 2 या 3 जन भविष्यवाणी करें एक सभा में और बारी बारी से भविष्यवाणी करें। और जब वे भविष्यवाणी करते हैं तो लिखता कि शेष लोग उनके वचनों को परखें। भविष्यवाणी के साथ हमें संपर्क न जोड़े। फिर से मैं पढ़ता हूं, पद 29, भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखें। तो जब भी कोई भविष्यवाणी आती है उसको परखना जरूरी है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन के प्रतिकूल नहीं हो सकती, वचन से वो तालमेल में ही रहे। आत्मा के प्रभु धन्यवाद करते हैं, अब प्रभु जो बातें तूने हम पर प्रकट की हैं हम उनको इस घड़ी शेयर करना चाहते हैं दूसरे के साथ, ताकि हम खुद को परख सकें, तुम्हारी मदद करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और इन सब के बीच में अपनी योजनाओं को बनाकर उसे पूरा करने वाला पिता है, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और इस घड़ी हम इन प्रियों के लिए फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं जिन पर आपने अपनी बातों को प्रकट किया, और पिता जिसके द्वारा वे लोग इस बात को जानने पाए कि जीवित परमेश्वर है और तू अपने लोगों के बीच में क्रियाशील है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और इन सारे प्रियों को तेरे हाथ में सौंप दे, जो कुछ इन्होंने एक दूसरे के विषय में देखा जाना और तुझसे संदेश प्राप्त किया, पिता जब एक दूसरे के लिए आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं वो सारी प्रार्थनाएं यीशु के नाम में पूरी होने पाए, किसी प्रकार के कोई डर भय और गड़बड़ी की कोई बातें ना होने पाए, लेकिन वहाँ पर तेरी महिमा होने पाए, क्योंकि तू इन सारी वरदानों के द्वारा चाहता है कि हम से प्रत्येक जन की उन्नति होने पाए। पिता जब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो उनकी उन्नति होने पाए, कलीसिया की उन्नति होने पाए, उनका एडिफिकेशन होने पाए, एग्जोर्टेशन होने पाए, वे लोग कम्फर्ट को फील करने पाए और उसके द्वारा वे और भी अधिक तुझसे जुड़ सके, और भी तेरे निकट लिए बढ़ सके और तेरा संदेश उनको बढ़ाता चला जाए। और पिता उनकी उन्नति के लिए कारगर सिद्ध हो रहा है, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जो तू प्रकट करने आ रहा है, तू प्रकट किया है, इसलिए प्रभु तू उन सारी बातों को पूरा करने में उनकी सहायता कर, उसकी जिम्मेदारी को तू ले और सारी बातों को करने में उनकी सहायता कर, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अब पिता इनको सीखते चले जाने के लिए मदद कीजिए, आने वाले जीवन में करते चले जाए, सीखते चले जाए, प्रैक्टिस करें और तेरे नाम की महिमा होती चले जाए। आने वाले समय में तो बहुत आयत के साथ प्रत्येक जन को इस्तेमाल कर सके, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन।